तो 3D मेंसुरेशन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो 3D और 2D में क्या डिफरेंस है हमारा बताइए। अगर मैं 2D की बात करूंगा तो 2D में हमारे दो एक्सिस होते हैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस, जबकि 3D में आते हैं हमारे एक्स वाई और जेड एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ये रेक्टेंगल की, बात किसकी बात करें, रेक्टेंगल की, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 2D डायग्राम है या 3D डायग्राम है, तो आप बोलोगे ये 2D है। क्यों? अगर ये x है तो ये क्या है, y है। अगर ये x है तो ये क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। अगर ये x है तो ये क्या हो गया, y हो गया। अगर ये x है तो ये क्या हो गया, y। आप बताओ z का कोई स्कोप है क्या? हाँ जी, तीसरा कुछ लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ। जब ध्यान से तो जाओ, है ना। अगर मैं यही चीज 3D डायग्राम की अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड, तो 3D डायग्राम में जरा ध्यान से देखते हैं क्या होता है 3D के अंदर। 3D के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास लेंथ भी होगा, ब्रिथ भी होगा और हाइट भी होगा। तो देखिए, अगर मैं 2D की बात कर रहा था तो 2D में मेरे पास ये रेक्टेंगल होता था बस, है ना, ये सिर्फ रेक्टेंगल होता था। लेकिन 3D में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली अगर रेक्टेंगल स्टैंडर्ड डायग्राम होता है 2D का, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेड अगर इक्वल हो जाए तो स्क्वायर बन जाता है 2D में। वही चीज 3D में रेक्टेंगल का जो स्टैंडर्ड डायग्राम होता है उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो इसका मतलब ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या क्यूबॉइड में क्या है, इस टाइप से ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्यूबॉइड में इस टाइप से होता है, ये हो गया क्यूबॉइड। आप लोगों को दिख रहा है, यस और नो? हाँ जी, सब लोग को दिख रहा है, बोलिए। तो मुझे बताइए, ये वाला, ये आपका लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है, बात क्लियर है, यस। ब्रेड्थ की बात करेंगे तो मान लेते हैं ये ब्रेड्थ है, यस। और ये क्या मेरा हाइट है, यस। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बना दिया। अगर मैं रेक्टेंगल बात करता था, एरिया क्या होता था मेरा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता था। लेकिन क्यूबॉइड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एरिया क्या होगा, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। अगर रेक्टेंगल में अगर हम यहाँ पर हम डायगनल की बात करेंगे तो ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन हो जाता था, ठीक है। तो क्या हो जाता था, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ होता था। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसी तरह से अगर मैं पेरीमीटर की बात करता, पेरीमीटर की अगर हम बात करते तो हम क्या लिखते थे, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यस और नो? हाँ जी, रेक्टेंगल में, यस सर। लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका पेरीमीटर अगर हम बात करेंगे, पेरीमीटर का मतलब, अब देखिए पेरीमीटर का मतलब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2lb प्लस bh प्लस lh, ठीक है। लेकिन वो जाता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, बात क्लियर है कि नहीं? देखो सरफेस एरिया की बात करेंगे इसके अंदर हम, सरफेस एरिया की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। पूछता भी है कभी कभी तो ठीक है, नहीं तो हमारा डायरेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी सिर्फ एक लेंथ और ब्रेड्थ है, जबकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मेरे पास, आप जरा ध्यान से देखना, ये पहला वाला करके यहाँ तक, ये पहला सर रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, यस और नो? बोलिए, यस। दूसरा रेक्टेंगल पीछे मान लो इसका, बैक साइड में, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, पांचवा लेफ्ट लेफ्ट वॉल और छठा राइट वॉल। तो मुझे बताओ कि एक बॉक्स या फिर क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड कोई भी रूप ले सकता है, या तो रेक्टेंगुलर टैंक ले लेगा, बॉक्स ले सकता है, मैच बॉक्स ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ क्यूबॉइड का एक एग्जांपल। जैसे मैंने एक रूम बनाया, ठीक है, चलो इस, आप देख रहे हो इस डायग्राम में? हाँ जी, देख रहे हो ये वाला, इधर देखो। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला जो देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, अगर ये लेंथ है और ये वाला पार्ट इधर जो देख रहे हो ब्रेड्थ है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर वाला क्या हो गया, हाइट होगा कि नहीं, ये सोन बोलो। हाँ जी, अगर ये लेंथ है, आप अपने रूम में भी देख सकते हो ऐसा, जहाँ पे आप बैठे हो, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो ये हाइट है।
आप कुछ भी मान सकते हो, अगर इसको लेंथ मान रहे हो, इसको ब्रेथ मान रहे हो, इसको हाइट हो गया। तो बेसिकली जो कॉर्नर में पॉइंट है ये इसको परपेंडिकुलर बताता है। तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर होती है, कर्व नहीं होती है। आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप क्लियर है कि नहीं, यस और नो बताइए। ठीक है, ठीक है, आप इसको किसी भी रूप में देख सकते हो। देखो मतलब अब ये तो सबसे ज़्यादा कितना बेटर दिख रहा है, अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है, अरे यार अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है तो ये हाइट है। क्लियर है, समझ रहे हो बात को, यस और नो? ठीक है, लेकिन ऐसे वॉल्स कितने हैं, एक वॉल इधर है, एक ऊपर का रूफ है, एक नीचे का रूफ है ना, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक इधर है, और इस साइड भी होगा, इस साइड भी उधर होगा, अपोजिट साइड। तो इसी तरह से छह पॉइंटर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आई होप क्लियर होगा सबको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, एरिया की अगर हम करेंगे तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया मेरा, एक्चुअली एरिया तो होता ही नहीं है, सॉरी वॉल्यूम लिखना था, क्यों एरिया क्यों लिख दिया यार। 2D सरफेस में एरिया होता है और 3D सरफेस में एरिया नहीं होता है, क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मेरी बात समझ रहे हो, ये क्यों लिखा मुझे, है ना, वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यही मैं आपको बताना चाहता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है, कब तक है, हाइट h तक है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगला आता है हमारा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, बोलो सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे बताओ कि ये जो क्यूबॉइड बना है कैसे बना है भाई, कैसे? तो आप बोलोगे कि छह रेक्टेंगल को जोड़ने के बाद फेविकॉल से जोड़ दिया, बन गया। तो मुझे बताओ अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, और ये क्या हाइट, यस और नो? तो मुझे बताओ, अगर बोलूँगा पहले स्क्वायर का एरिया निकालिए तो आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी बताइए, एक एल की, यस और नो, और एक हाइट की, यस और नो, बोलो यस। हाँ जी, अब वन के अपोजिट में भी तो ऐसा ही जरूरत पड़ रहा है, लेंथ का और हाइट का, बोलिए, सॉरी ये लेंथ है और हाइट ये वाला। हाँ जी, पीछे वाले के लिए हाइट ये होगा, यस और नो, होगा कि नहीं होगा, और लेंथ ये वाला होगा, पीछे वाला देखो ध्यान से, तो ये लेंथ इंटू हाइट, ऐसा कितनी बार आया, एक बार लेंथ इंटू हाइट बन करके दो स्क्वायर का मैंने, सॉरी दो रेक्टेंगल का मैंने एरिया निकाल लिया। उसी तरह से एक रूफ के लिए होगा, रूफ के लिए हम क्या करेंगे, रूफ के लिए रेक्टेंगल तो यूज होगा लेकिन बी यूज होगा, यस और नो, ब्रेथ यूज होगा, बताओ यस और नो, बोलो। रूफ के लिए एक तो लेंथ यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट एक ब्रेथ यूज होगा, यस और नो बताइए, नीचे का ब्रेथ ऊपर का ब्रेथ इक्वल होगा, यस और नो? तो मुझे बताइए रूफ के लिए हम क्या करेंगे, फिर से ऐसा कितनी बार होगा, एक रूफ और एक नीचे फ्लोर, बोलो यस और नो? तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसा दो बार होगा, यस और नो? हाँ जी, प्लस अब उसके बाद हमारा साइड वॉल्स देखो, इस वाले पे बात करेंगे ना, ये वाले पांचवें नंबर है ये वाला, तो इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, ब्रेथ यूज हो रहा है और हाइट यूज हो रहा है, यस और नो? ब्रेथ और हाइट यूज हो रहा है, बोलो यस और नो? तो कितनी बार होगा, एक इस साइड का और एक इस साइड का, कितने बार होगा, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यस और नो? ठीक है, तो इसको जोड़ लो, क्या आ जाएगा, 2LH प्लस 2LB प्लस 2BH, यस और नो? अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा क्या आएगा, LH प्लस LB प्लस BH, यस और नो? BH, हाँ जी बोलो, ये क्या हो जाएगा, एरिया सरफेस एरिया, यस और नो? टोटल सरफेस एरिया। तो बेसिकली सरफेस एरिया कैसे बना, छह रेक्टेंगल को जोड़ने के बाद, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी बोलो, ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, लेते जाते हैं, कहाँ गया वो, यहाँ, चलो आगे का देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं क्यूब की, किसकी बात करते हैं, क्यूब का। मुझे बताओ सरफेस एरिया क्लियर हो गया, वॉल्यूम क्लियर हो गया आपको, अच्छा डायगोनल में क्या करना होगा हमको, डायगोनल में, अब जब यहाँ से आप डायगोनल लोगे, यहाँ से यहाँ डायगोनल लोगे आप, तो एक तो लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, यस और नो? तो डायगोनल यहाँ पर सिर्फ लेंथ, डायगोनल यहाँ पर क्या होता था, रेक्टेंगल में क्या होता था, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा, हाइट भी है, हाइट भी है, 3D डायग्राम है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यस और नो? बोलो क्लियर है? और डायगोनल जो होता है, लॉन्गेस्ट पोल या स्टिक दैट कैन बी इंसर्टेड इनसाइड ए,
क्या? क्यूबॉइड। बात क्लियर है ना? तो लॉन्गेस्ट जो लेंथ का पोल स्टिक जो भी आप कहना चाहो इंसर्ट कर सकते हो, उसको लॉन्गेस्ट पोल बोल सकते हैं, स्टिक बोल सकते हैं, जो बोलना चाह सकते हो उसको। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? क्यूब के अंदर, क्यूब के, क्यूब में और क्यूबॉइड में कोई फर्क है क्या, बताओ जरा। हाँ जी, क्या कोई फर्क है? तो बोलोगे कि क्यूब जो है क्यूबॉइड का ही एक क्या है, स्ट्रक्चर है। अब बोलोगे कैसे? फर्क सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड में यह है कि क्यूब, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग होता है, लेकिन क्यूब के अंदर क्या होता है, क्यूब के अंदर क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, क्या होता है बोलो, इक्वल होता है। क्या होता है, क्या होता है बोलो, इक्वल होता है। समझ में आ रही है बात? तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो जरा ध्यान से देखना, अब ये रेक्टेंगल का पार्ट में मिटा रहा हूँ, ठीक है? 2D वाली बात से समझ में आ गया, अब 3D पे पहुँच गए। अब 3D के सब डायग्राम्स जो है वो अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। क्यूब की बात करते हैं, ठीक है? ये हमने क्यूब बना दिया। मुझे बताओ क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है, कि इसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। आप समझ पा रहे हो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, बोलो क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ए मतलब साइड, ए का मतलब क्या है, साइड। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस। तो मुझे बताओ अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, तो क्या आ गया, ए क्यूब। यस और नो? ठीक, बोलो। अगर मैं बोलूँगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हम बात कर रहे हैं क्यूब की, ठीक है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या था, तो आप यही है ना, क्यूब ट्वाइस ऑफ एल एच, एल एच में भी क्या आएगा, लेंथ भी ए, एच को भी ए, एल बी, एल बी में भी ए और ए। यस और नो? फिर ए इंटू, यस और नो बोलो। हाँ जी, टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आया, थ्री ए स्क्वायर, तो क्या आया, सिक्स ए स्क्वायर, बोलो यस और नो? हाँ जी, यस सर। रटने जैसा कुछ है क्या, मुझे बताओ ना, रटते रहते हैं बच्चे, सिक्स ए स्क्वायर, सेवन ए स्क्वायर या एट ए स्क्वायर, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, जो गलत बात है, जो गलत बात है, ठीक है? एग्जाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डायगनल की बात कर लेते हैं, चलो। डायगनल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ भी क्यूब के अंदर तो सब इक्वल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ थ्री ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए बन जाएगा, रूट थ्री रह जाएगा, तो डायगनल इक्वल टू ए रूट थ्री। बोलो यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोग से एक चीज़ पूछता हूँ कि क्या मैं सारे डायग्राम का थ्योरी एक्सप्लेन कर दूँ तो क्वेश्चन कराऊँ, या थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन वैसे कराऊँ, आप खुद बता दो मुझे, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, बताओ। पहले थ्योरी सारे कर लें फिर क्वेश्चन करें, या पहले जो थ्योरी के, थ्योरी करो और फिर क्वेश्चन, मतलब सारे थ्योरी पहले कर लें फिर क्वेश्चन करें, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा, थ्योरी और क्वेश्चन ऐसे, हाँ थ्योरी क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो चलो भाई, थ्योरी हमने कर लिया, क्यूब का भी है, तो अपन देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा रेक्टेंगुलर, अभी पहला क्वेश्चन जो हमारा क्यूबॉइड का ही आया था, तो हम कर लेते हैं इसको, ठीक है? तो फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 16 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितना दिया हमारा 16 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 14 मीटर और हाइट कितना दिया है 7 मीटर। अब क्या पूछा गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच होता है, यस और नो? इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 16 इंटू 14 इंटू 7, ये आ जाएगा 1568 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों होगा, क्योंकि सब चीज़ तीन बार मीटर मल्टीप्लाई भी तो होगा, ठीक। सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है बताओ जरा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है आप बताओ, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यस और नो? बी एच प्लस एल एच, हाँ जी एल एच, हाँ जी। तो ट्वाइस ऑफ एल बी, एल बी का मतलब क्या हो रहा है, 16 इंटू 14, यस और नो? अरे नहीं बोलोगे, बी एच, बी एच का मतलब क्या है, 14 इंटू 7, बोलोगे 14 इंटू 7, यस और नो? प्लस और क्या, एल एच, तो 16 इंटू 7, यस और नो? 16 इंटू 7, इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, 434, ठीक है, 868 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर होता है, और ये जो वॉल्यूम रहेगा वो क्यूब में होगा, ठीक है?
आई होप सब लोग को क्लियर होगा, येस और नो। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ सर। ठीक है, कैलकुलेशन पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 12 मीटर लॉन्ग, 8 ब्रेथ एंड 9 मीटर हाई। लॉन्गेस्ट पोल कौन सा होता है डायमीटर, बताया था आपको। हाँ जी बोलो, बताया था कि नहीं? ठीक है बोलो, क्लियर है कि नहीं? ये डायग्राम बना लिया, तो लॉन्गेस्ट पोल कौन सा होगा मुझे खुद बताओ। मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, एक येलो वाला, मान लो येलो वाला में मैं बना रहा हूँ कि एक पोल ऐसे ही सीधा सीधा रख दिया, और दूसरा बना रहा हूँ मैं आपका ब्लू कलर में। तो मुझे बताओ कि लॉन्गेस्ट पोल कौन सा है, ग्रीन वाला या सॉरी ग्रीन वाला या येल्लो वाला? सबसे ग्रीन ग्रीन वाला, ये तो मैंने वैसे बता दिया था आपको। तो डायगनली आप रख दो। अच्छा, आप लोग स्कूल में जब आप नया पेंसिल खरीद के लाते थे तो कभी भी आपके कंपास बॉक्स में कभी आता था नया पेंसिल, तो कैसे रखते थे उसको, याद है? नालायक, क्रॉस में रखते थे। अरे स्कूल में तुम लोग कंपास बॉक्स नहीं रखे हो, जब नया पेंसिल लाते थे नटराज का कैमलिन, ऐसे तो ऐसे रखना पड़ता, अरे ऐसे रखना पड़ता था ना, क्योंकि वो ऐसे नहीं आ पाता था, बंद नहीं होता था। अरे भूल गए, बचपन की बातें याद करो, थोड़ी याददाश्त ताजा करो भाई। ऐसे डायगनली नहीं लगा कसम ही खा लो तुम लोग कि सर हम तो नहीं मानेंगे। मैं आप आज एक तुम लोग एक ना सर तोड़ दोगे क्या पेंसिल को तोड़ दोगे क्या? कभी जाते ही नहीं थे तो ऐसे रखना पड़ता था, डायगनली पेंसिल रखना पड़ता था, तब वो एडजस्ट हो जाता था। और सोचते थे कि जल्दी से खत्म हो तो ये बराबर सीधा आए। ठीक है चलो, तो बात कुछ ऐसी ही है, सिर्फ समय बदला है, बाकी लगभग सब कुछ एक जैसी ही है। अरे भाई किसी को समझ में आया क्या ये पेंसिल वाली कहानी, आया क्या समझ में? हाँ हाँ सर समझ गया, आया है ना? ठीक है, लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये टाइम क्या हो गया, डायगनल हो गया। डायगनल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 64 प्लस 81। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, 289, 29, 17 का होता है, 17 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, 17 मीटर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग क्या है, थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान से देखो। एक पोलर वॉल, एक वॉल बनाना है आपको, 5 गुना है उसके हाइट का, जितना वो चौड़ा है ब्रॉड ब्रेड्थ है, और 8 गुना है उतना जितना कि वो हाई है यानी लंबा है, मतलब ऊंचा है, हाइट है जिसकी, और उसकी वॉल्यूम 12.8 मीटर क्यूब है, तो ब्रेड्थ बताना है। अब आपको समझ में आया क्वेश्चन, ईमानदारी से बोलो नहीं, अरे जल्दी से बोलो ना, नहीं नहीं बोलोगे? नहीं, वैसे सच ही बोल रहे हो तुम लोग, कहाँ से समझ में आया होगा। देखो ठीक है, एक तो ये भी समस्या हो जाता है कि अच्छा ये बताओ मुझे x किसको मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो लिखा ही नहीं है ना, 12 सेंटीमीटर लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना, हाइट कितना है, लिखा ही नहीं है, तो x किसको मानना चाहिए? ब्रेथ। हाँ क्यों क्यों एक्स किस क्यों मानना चाहिए अभी, एक्स किसको मानना चाहिए? एक्स तो फाइंड करने हैं। हाँ, मानना किसको चाहिए, लेंथ ब्रेथ या हाइट को? तो आप ध्यान रखिएगा, एक्स हमेशा उसको मानना चाहिए जो पूछा गया हो। ठीक है एक्स, ठीक है एक्स मान ले। अब देखो क्वेश्चन समझना, 5 गुना हाइट है उसका जितना कि वो चौड़ा है, यानी उसकी ब्रेथ अगर एक्स है तो उसकी जो हाइट होगी उसकी 5 टाइम्स होगी, यस और नो? तो हाइट कितना हो गया उसका, 5 × x, क्लियर है? और 8 गुना लंबा है जितना कि वो हाइट है, तो हाइट अगर उसका 5x है तो 8 गुना है वो क्या उसका लेंथ, तो 8 × 5 × x, क्लियर है? इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा, 40x, और ये तो x है और ये 5x तो है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है चलो,
तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना होता है? लेंथ कितना है हमारा बोलो? 40x, x हाइट कितना है? 5x। गुना कर लो उसको, कितना आएगा? और ये वॉल्यूम कितने के बराबर दिया है? 12.1 क्यूबिक मीटर है, 12.8 क्यूबिक मीटर, 12.8 क्यूबिक मीटर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्यूबिक मीटर है तो पॉइंट उड़ाओगे नीचे 10 आएगा, यस और नो? तो 128 अपॉन 10 इज इक्वल टू 40 इंटू 5 कितना होगा? इसको अलग कर लो और x को अलग करोगे तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 200 और 10 इधर से ले आओ तो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 128, तो कितना आ जाएगा? 2000 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 128। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128 बाय 2000, यस और नो? इसको आधा करोगे तो 64 हो जाएगा, इसको आधा करोगे तो 1000 हो जाएगा। अब क्यूब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 64 बाय 1000 का क्यूब रूट लोगे तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब है और ये 10 का है, तो ये कितना आ जाएगा? ये मीटर में आया। ठीक है, किस में आया? मीटर में। किस में आया? मीटर, मीटर में आया। तो इसको अब हो सकता है 0.4 मीटर ऑप्शन में हो, नहीं होगा तो क्या करोगे? 4 बाय 10 इंटू 100 कर दोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 40 सेंटीमीटर का आंसर आया। क्लियर है, यस और नो? हाँ जी, क्लियर है। चलो अब आप लोग दिव्य दृष्टि देखने के लिए तैयार हो? दिव्य दृष्टि में क्या है? पेन चलाना पाप है, पेन चलाए तो फेल हो जाएंगे। ये तो मजदूरों वाला काम कर रहे थे, ये होता है ना जो मजदूर लोग काम करते हैं ना बिल्डिंग में, वो वाला। अब हम काम करेंगे बिल्डर्स की तरह, लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन की तरह। ठीक है, क्या आप तैयार हो? हाँ जी, सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देना। देखो, 5 गुना है, ठीक है, किसका? ब्रेथ का, एक्स है। और 8 गुना है किसका? हाइट का। तो हाइट 5x अगर रहा होगा और ये एक्स रहा होगा तो 8 इंटू 5 करेंगे तो 40x हो जाएगा। 4 इंटू 5 कितना होगा? 20x हो गया। 3 बार एक्स आने वाला तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इजिक्वल टू कितना हो गया? 5 इंटू 4, एक जीरो और है ना, 200x क्यूब आएगा। 200x क्यूब इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर है। तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, 12.8 है हमारा मीटर क्यूब है, क्यूबिक मीटर है। तो ठीक है, मैं मीटर क्यूब भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बट 10 उड़ा दूंगा तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा, ये 100। हाँ जी, तो मुझे बताओ अगर अगर मैं इसको आधा करूँ तो ये 100 हो जाएगा? ये एक अच्छा सवाल है तुम्हारा। ये देखो, अब आया आवाज? आवाज आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 1000। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1000 है और यहाँ पर इसको आधा करोगे तो ये 64 बनेगा और ये क्या हो जाएगा? 1000 बन जाएगा, यस और नो? तो अब इसका क्यूब रूट जब तुम लोगे, एक्स क्यूब है ना, तो क्यूब रूट लोगे तो ये कितना जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो 4 बाय 10 0.4 होता है। अब मीटर में दिया है 0.4, तो ठीक है, नहीं तो 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ एक्चुअल में लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में, आपका वॉइस वॉइस कट हो रहा है, कट हो रहा है? नहीं भाई, देखो मैडम ऐसा है कि आप बढ़िया कंपनी का जो है ना एकदम टॉप क्वालिटी का बोट का हेडफोन खरीदो, ईयरफोन नहीं है ना, हेडफोन जो कान के ऊपर ऐसा भर मालूम है। अरे रुको ना, खर्चा कराने तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम है तुम्हारा? ये तुम्हारा मुंडी है, कान के ऊपर ऐसे आ गया, ठीक, और ये तुम्हारा लैपटॉप। अरे ये तो बहुत अच्छा फोटो बना दिया, मैं तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया। देखो तो JBL का मेरे को ऐसा होना चाहिए, कान के ऊपर ऐसा होना चाहिए, कान के ऊपर ऐसा। हमें पूछा कोई किसी के पास कितना पैसा है, ठीक है, कान के ऊपर लगना चाहिए, ठीक है, ऐसा करके ऐसा रखना चाहिए। ये तो खरगोश बन गया भाई, ठीक है, चला लेना काम तुमको, है ना। और हाँ एक बात और, अगर ये दो आँख के बीच में अगर ये अगर तुम्हारा जो भी है, समझ रहे हो, यहाँ पे मुंह के पास आ जाए तो फिर मेरी आवाज़ भी क्लियर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा खर्चा कर लो,
नहीं सर, हम तो JBL का ईयरफोन यूज करेंगे, बोल रहा हूँ हेडफोन यूज कर लो ना, बड से ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है आगे बात करते हैं। तो ये 40 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आता और मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं इस क्वेश्चन पे हाथ भी नहीं लगाता। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, इस क्वेश्चन के लिए मुझे पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ अगर चलाना भी होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके लिए भी ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है ज़रा देखिएगा आप लोग, है ना, अगर मैं खुद स्टूडेंट होता, मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। हाँ भाई, वॉल्यूम वॉल दिया है, हाइट दिया है, ब्रोड दिया, ए टाइम्स है, एट यानी ए टाइम्स हाइट का दिया है, तो 8 × 5 = 40 हो गया, एक्स तो है ही, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 40, मतलब यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है, और एक्स है, तो ये 40 हो गया, 40 × 5 2000 हो गया, यानी 2000 ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या करना है हमें, 12.8 है, ठीक है, तो 12.8 ऊपर रह जाएगा, ठीक है। अब इसको आधा करेंगे 64 आएगा, इसको आधा करेंगे 1000 आएगा, ये 4 आ गया और ये 10 आ गया। 0.4, 0.4 को 0.4 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, नहीं, 40 सेंटीमीटर है, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया है, यानी 40 सेंटीमीटर आंसर हो गया। समझ में आया, कोई फारसी बोल रहा था, मैं चाइनीज बोल रहा था, आप लोग को समझ में आया क्या। हाँ जी, चाइनीज अरे समझ में आया क्या जो मैं बोल रहा था, ठीक है, जो मैं मन में बोल रहा हूँ वो तुम लोग को बोल के थोड़ी ना सुनाऊंगा, मैं तो जो सोच रहा हूँ वो सोच के बता दिया भाई। एग्जाम में जब बोलते तो क्या चिल्ला चिल्ला के सुनाते हो कि बगल वाले को 424 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर मन में करते हो, नहीं तो बगल वाला बोलेगा बैठ भगाइए इसको, हटाइए इसको, ये कैंडिडेट बोल बोल के पढ़ता है क्वेश्चन, पढ़ती है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हो ना, अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, सर। आप किसी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कन्फर्म सेलेक्शन चाहिए, कन्फर्म सेलेक्शन चाहिए भाई, तो आज जो है ना घर को त्याग दो और लाइब्रेरी में एक एडमिशन ले लो, ठीक है, और नींद भी आए ना तो हेड डाउन करके सो लेना वहाँ पे। अगर नींद इच्छा अगर इच्छा भी होगी नहीं तुम्हारी सोने की, तो बगल वालों को पढ़ते देख करके तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बताता हूँ कि जिसको बॉडी बनानी है ना, उसको बॉडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो जिम डेली जाए, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा वो। क्रिकेट में भी रन बनाने के लिए क्रीज पे जुटे रहना जरूरी है, तो तुम 10 घंटे तक लाइब्रेरी में बैठे रहो, चाहे बैठ के कपिल शर्मा शो देखो, 3 घंटे के बाद तुम सोच ही लोगे यार थोड़ा पढ़ भी लेते आए हैं तो, ठीक है। तो आज सर ज्वाइन उनसे कर, अच्छा घर पे ही पढ़ेंगे ना। हाँ मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे, यही ऐसा काम ना सलमान खान भी नहीं करता, घर पे जिम है तो 5-6 लोग को बुला लेता भाई आ जा, नहीं तो घर पे नींद आती मुझे। सलमान खान भी ना अकेले बैठ के जिम नहीं करता, वो 6-7 लोग को बुला लेता है ना, चाहे कभी अक्षय कुमार को भी बुला लेगा वो, कभी अजय देवगन को बुला लेता है, बोलता है मेरे से क्यों बोलता है, मेरे को तो वैसा रोल सर ही अगर ऐसे बुलाएंगे तभी तो लोग का एक्सपेंस, तो लोग नहीं। एक्सपेंस नहीं करे तो किसी सलमान भी खान को इनकम में। पैसे की जरूरत है, सलमान खान को पैसे की जरूरत है कि कोई आए और भाड़ा पैसे की दे। जरूरत नहीं है, पैसे है तो एक्सपेंस किसी को देना, तो उसका पैसा रहेगा तो किसी का तो पाएगा तो नहीं। देखो तुमने वहां लॉजिक लगा लिया, लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करना है। एक बार ट्राई करके देखो। सुनो, सबसे सस्ता वाला लाइब्रेरी में जा, और सुनो ऐसा लाइब्रेरी में जाना जहाँ एसी ना हो, नहीं तो पता चला अच्छी नींद आएगी वहाँ, ठीक है। सर और लाइब्रेरी में एसी नहीं हो तो मच्छर तो जरूर काटेंगे। हाँ तो वहाँ पे वो लगवा लेना गुड नाइट, मच्छर क्यों काटेगा, कमाल की बात है, दोपहर के टाइम पे मच्छर काटता है। देखो कष्ट तो करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ कि आज 6 जनवरी है, 10 जनवरी को आप ज्वाइन कर लो कोई लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी, कोई एक दो किताब लेके जाओ, है ना, और वहाँ पे पढ़ो, ठीक है। और 10 जनवरी 2022 में मिलना मुझसे, मुझे फ़ोन पे रहोगे ना तो बता देना सर मैं इसमें सेलेक्ट हो गई, आई गारंटी फॉर दैट। अब बोलोगे सर ये तो 3 डेट्स का पीछे, आई गारंटी फॉर दैट, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। हाँ वहाँ जा रहे तो हो, इसमें रसमलाई नहीं मांगोगे ना? नहीं ना रसमलाई क्यों मांगूंगा, इतना पहले ही खर्चा करा दिया तुम्हारा, अगर 1000 रुपया, एक 1000 रुपया इंटू 12 महीने तुम भरोगे तो 12000 रुपया तुम वहाँ खर्चा कर दो। तुम बोलोगे सर 10000 का हमने फीस भरा, या जो भी फीस भरा तुमने सर, 12 मुर्गी का दाम 10000, मसा का दाम 12000। हाँ और आपको बता देता हूँ सिर्फ 4 दिन की पगार रही है, 7 दिन का पगार में पूरा वसूल है। अब बोलो अच्छा लग रहा है, फील गुड हुआ है कि नहीं।
बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। है ना, तो 7 दिन में ये आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन आई एंश्योर कि 1 दिन छुट्टी मारना, लेकिन 6 दिन जाना। अगर हाँ कहीं जॉब पे हो तो फिर दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, वो एडजस्ट करने वाली बात है। बट अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ आप सिलेक्शन किसी न किसी में तो ले ही लोगे, ठीक है। एक इतना स्लो पढ़ सकते हो, एक क्वेश्चन को तुम 1 घंटा में भी बनाओ ना तो भी 10 घंटे तक वहाँ बैठोगे तो 10 क्वेश्चन तो बना ही लोगे ईमानदारी से। लेकिन इतने मंदबुद्धि तो नहीं हो, 1 घंटे में अगर 5 क्वेश्चन बना रहे हो, 12 मिनट में एक लगाते हो, तो 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर ही लोगे आप। अब फिर भी 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अगर तुम 1 दिन में करते हो तो 300 दिन में कितना क्वेश्चन कर लेते हो पता है? 65 दिन तुम लोग को दे दिया घूमने फिरने के लिए, 1500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन करने के बाद लेवल समझते हो अपना क्या होगा, है ना? ये कपड़ा प्रेस करने वाला ना, 1500 कपड़ा भी प्रेस कर रहे हैं तो आंख बंद कर भी प्रेस करेगा ना तो कपड़ा नहीं जलेगा, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर तो तुमने 1500 क्वेश्चन कर लिए। हाँ तो आज जैसे तुमने मेंसुरेशन पढ़ा, तो अगला दिन लाइब्रेरी में तुम ये सोचना कि मेरे को सिर्फ मेंसुरेशन कल पढ़ाया था सर ने, आज मुझे 50 क्वेश्चन करने, मेरे पास 10 घंटे का टाइम है, आराम से मैं गाना भी सुन लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो सब कुछ कर लूँगा 10 घंटे में, और तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और एक बात इम्पॉर्टेंट है, अगर कर सकते हो तो बहुत बड़ा त्याग है मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना। घर वालों को झूठ क्या बोलना है, लाइब्रेरी में जो ना क्या कर देते हैं वो लोग, मोबाइल रखवा लेते हैं। नेटवर्क नहीं है। अरे नहीं, फिर बोलेंगे तुम नेटवर्क में आके बात करो, तो घर वालों के तांडव बहुत होता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका घर वाला है, मालूम है आपको? वही लोग आपको सेलेक्ट नहीं होने देंगे, मैं बता देता हूँ, एंड इट इज़ ए प्रूवन फैक्ट कि आपको रिजेक्ट कोई करा सकता है तो आपके घर वाले हैं, आपको सेलेक्ट कोई करा सकता है तो आपके घर वाले हैं। तो घर वालों को बोल देना कि पापा ऐसा लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लेना, मोबाइल ना रखवा लेते हैं, बेटा कुछ इमरजेंसी हो गया तो लाइब्रेरी का नंबर देती हो ना सर, आप कॉल कर लो पापा। तो पापा फ़ोन तो नहीं करेंगे ना? नंबर ही बिजी रहा सर। हाँ तो ठीक है, चलो मैं आपको बता दिया। तो आज चूंकि नया साल था इसीलिए मैंने ये थोड़ा ज्ञान दे दिया आपको, अगर आप गारंटी सिलेक्शन देते हो तो, एंड आई गारंटी कि आप कोई ना कोई सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन याद रखना 1 दिन भी छुट्टी नहीं थैंक यू मारने, सर। छुट्टी नहीं मारना वहाँ पे। हाँ और वहाँ एक बात और, वहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने, कोई फ्रेंड नहीं। बगल वाला अगर बोलेगा भैया कि मैडम थोड़ा दूसरे सीट पे जाके बैठे, तो बोले क्यों, मेरा किताब उताब यहाँ रखा है, मेरा कोई चीज़ हाथ पे, हाथ मत लगाना यहाँ पे। जितना सेल्फिश बन सकते उतना सेल्फिश बनना है लाइब्रेरी में, किसी से दोस्ती नहीं करना है, कोई ग्रुप स्टडी नहीं करनी। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत बात कर दी आपने, क्यों? कि जिस दिन तुमने एक फ्रेंड बना लिया, चाहे लड़का ने लड़का का, लड़का ने लड़की का, जो भी है, उस दिन तुम्हारा लाइब्रेरी का पूरा फीस बेकार हो गया और तुम्हारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो एक भी फ्रेंड नहीं मिले, कोई आदमी बात करे ना कि थोड़ा मोबाइल पास कर देना, तो बोल देना उठ के आके ले लो, तुम्हारे नौकर नहीं हूं मैं। उस दिन से तुम जितने दुश्मन बना सकते हो लाइब्रेरी में उतना अच्छा है। बोलो सर इतना तपस्या, ये तो सम्राट अकबर बनने जैसा हो गया, आप तो मुझे सर, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं क्यों किसी से दुश्मनी लूँ। लेकिन वहाँ लेना है, मतलब ही नहीं रखना किसी से। और फिर 1 साल के बाद दोस्ती करने के लिए, यानी लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, चाहे वो बैंक में हो या जहाँ भी आप जाएँ आप, ठीक है? तो आपसे कोई मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले, अच्छी बात है ना आपके लिए? तो कोई 3 घंटा वेट करे, अच्छी बात है ना? कि आप इंतजार करना चाहते हो किसी का, कि उन अच्छा नहीं सर, हमारे लिए कोई तो उसके लिए, तो आपको तो समझ गए होंगे, आप ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये नया साल का पहला बात था तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ नया बता दूँ, ठीक है? चलो फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है? फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल 24 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाई, 60 मीटर थिक। इफ 10% ऑफ द वॉल इज फिल्ड विथ मॉर्टर, बोलो समझ में आया कुछ? जल्दी से बोल दो, नहीं जल्दी से बोल। इसमें सबसे तकलीफ देने वाला वर्ड आपका ये मॉर्टर दिख रहा होगा ना, यस सर। बहुत 70% बच्चे तो इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि उनको मॉर्टर का मीनिंग नहीं पता। आज देख लो आप ये मॉर्टर क्या चीज़ है, देख लो। अब देख लिया, अब बोलो, अब तो जिंदगी की तकलीफें दूर हो गई होगी आपकी, है ना? मतलब सीमेंट का जो मिक्सचर होता है सैंड के साथ, उसको मोटर बोलते हैं।
अब जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। देखो मेरा टारगेट ये नहीं कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा कराऊं, मैं आप चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सको। मुझे देखो, ध्यान से देखो, ये वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है। तो इन्होंने लंबाई कितना बोला है, 24 मीटर, लॉन्ग है 8 मीटर हाई। तो थोड़ा लॉन्ग को मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, कोई दीवार होता है, दीवार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बताओ, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बताइए। सीमेंट, हाँ पानी, हाँ ब्रिक्स, और तो कुल मिला के बात यह है, ब्रिक्स प्लस वाटर, अरे ब्रिक्स नहीं, सैंड प्लस वाटर है ना, प्लस सीमेंट है ना, सैंड प्लस वाटर प्लस, हाँ सैंड प्लस वाटर प्लस बोलो सीमेंट सीमेंट, इज इक्वल टू मोटर। तो अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो अब यहाँ से चिपकाया, फटाक से दीवार पे लगा दिया। हाँ जी, फेविकॉल से। फेविकॉल से चिपका दिया, ठीक है। तो देखो 24 मीटर लॉन्ग है, तो मैं मान लेता हूँ, देखो पहली बात ये ब्रिक्स है और ये वॉल है, तो वॉल थिक भी होगा, वॉल क्या होगा, थिक भी होगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थिकनेस भी आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो मैं 24 मीटर लंबाई मैं चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है, हालांकि स्क्वायर जैसा लग रहा, मान लो ये 24 है, ठीक है, क्लियर है। तो लेकिन अगर मैं वॉल बनाना चाहूँगा तो वॉल बनेगा कैसा, पहली बात वॉल देख लीजिए। वैसे तो आप लोग को दिखाई चुका हूँ मैं, है ना, वॉल में 2D होता है या 3D होता है ये बताओ जरा ईमानदारी से, वॉल 2D होता है या 3D? आएगा ना, अभी बोला था वॉल दिखाया भी, फिर भी बोल रहे हैं 2D होता है। देखो वॉल ऐसा होगा ना, इतना कुछ थिकनेस होगा ना इसका, नहीं होगा कि पतला पतला सिंगल लकड़ी की तरह होगा वॉल, क्लियर कर लो पहले। हाँ जी, ब्रिक होगा ऐसा, सर नहीं सब चीज़ें फील नहीं आता ना सर, हम कंस्ट्रक्शन वाले थोड़ी, हम तो कंप्यूटर इंजीनियर, हम कहाँ से जाने ये वॉल वॉल क्या होता है जी। अब देख लो होगा ना, इतना मोटा तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो खैर, इस वाले क्लियर से आपको समझ में आ गया होगा कितना थिकनेस भी होगा, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, विजुलाइज करने वाली बात है। तो मुझे बताओ, अगर ये वॉल बना होगा तो किससे बना होगा, ब्रिक से बना होगा, और इसके ऊपर क्या रहा होगा, मोटर रहा होगा है जी, फिर क्या रहा होगा, फिर ब्रिक्स रखा होगा। तुम लोग बोल रहे हो सर डायग्राम बना रहे हैं, सीधा सीधा बोल दो ना, ये है वो है, डायग्राम क्वेश्चन बना दो फटाफट, फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म करो, कहाँ ये फूल पत्ती में लगे हुए हैं है जी। डायग्राम क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी 10% वॉल अभी बोल दिया, तो अब आप इस चीज़ को क्वेश्चन कभी नहीं बोलोगे है ना, ठीक है। नहीं, वो तो मैं ऐसे 5 साल के बाद भी आप लोग को ये फील रहेगा, क्योंकि हम लोग सीखे ऐसे ही थे, ठीक है। अब जैसे मैं सीखा था वैसे ही सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि हमारे जो टीचर थे वो कानपुर से PhD किए हुए थे मैथमेटिक्स में, IIT कानपुर से। तो अब सीन यही था कि आप लोग भी विजुलाइज करो, हमें भी विजुलाइज कराए तो हम भी करा देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो मोटर वाला एरिया है, तो ये पूरा वॉल्यूम होगा, होगा ना, पूरा वॉल्यूम वॉल का पूरा वॉल्यूम ये होगा, ऐसा ही ऊपर होगा, नीचे होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, पीछे, यस और नो। लेकिन क्या इसमें सिर्फ ब्रिक्स यूज हुआ या दोनों चीज़ें, वॉल का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स प्लस मोटर, यस और नो। हाँ जी, यस दोनों मिला के होगा। तो सामने वाले ने बोला है कि जो वॉल में 10% जो वॉल का बना है वो मोटर का है, तो 10% अगर मोटर का है तो ब्रिक्स कितना रहा होगा, 90%, यस और नो, यस यस और नो, यस, ठीक है। चलिए तो अब जैसे देखते हैं कुछ, ये डायग्राम समझ में आया आपको, प्रिंट स्क्रीन फॉर्मेलिटी ले लेता हूँ, ठीक है, ये मोटर की बात है। फिर बाद में दिव्य दृष्टि दिखाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते के साथ आंसर टिक लगाएंगे, और आई गारंटी फॉर दैट कि उस प्रोसेस में सिर्फ 5 सेकंड लगेगा, ठीक है, नहीं तो जज कर लेना आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को ख़त्म होने के बाद। नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, वॉल्यूम क्या आया टोटल, तो मुझे बताओ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल ये है, यस, ज़्यादा होना चाहिए है ना, तो 24 मीटर, मीटर को मालूम सेंटीमीटर में चेंज कर लिया तो ये हो गया, 8 मीटर हाइट है, और थिकनेस कितना है, विड्थ जो है 60 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर है तो 80 सेंटीमीटर हो गया, यस और नो। पूरे वॉल का, ये पूरे वॉल का है ना, यस और नो बोलिए, राइट।
उसमें से ब्रिक्स का आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है, ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है, ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना है। तो आप बोलोगे कि इसके अंदर दो चीज है ना, ब्रिक्स भी है और मोर्टर भी है, यस और नो, ब्रिक्स भी है और मोर्टर भी है, यस और नो। हाँ जी, तो ब्रिक्स का कितना हो, अगर 10% मोर्टर का है तो ब्रिक्स का कितना हो, 90%, यस और नो। तो 90% ऑफ कितना, इस वाले टोटल, यस, 2400 इंटू 80 इंटू 60, राइट। उसमें से एक ब्रिक्स का पूछा टोटल वॉल्यूम, टोटल ब्रिक्स कितना होगा, तो टोटल ब्रिक्स कितना लगेगा, आप बताओ। टोटल ब्रिक्स ने इतना वॉल्यूम कवर कर लिया, घेर लिया है ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, 24 × 12 × 8 सेंटीमीटर, यस और नो। अब काट लो इसको, ठीक है, चलो 12 5 जा 60, 8 10 जा कट गया ये, यस और नो। हाँ जी, 24.4 8 तो सेंटीमीटर, 8 नहीं, 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ ये, ये मीटर है ना, तो 800 आएगा, यस यस सही बोला आपने, 800 आएगा यहाँ पे, 800 आएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही, नाइस। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, यस और नो, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, और कुछ कट रहा है, हाँ, 12 से 2 टाइम्स कट गया, टू, रुको कुछ गड़बड़ क्या कर दी यहाँ पे, 24 24 तो डायरेक्ट ही कट गया ना, तो 100 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो 9 5 जा 45, ठीक, 1 जीरो यहाँ पे है और 2 जीरो 100 का यहाँ पे है, ठीक है, तो कितना आ गया, 9 5 जा 45, 3 जीरो और चिपका, तो 45,000 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, 45,000 ब्रिक्स लगाएंगे आप तो एक दीवार आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है, दीवार नहीं, क्या तैयार होगी, रूम तैयार हो जाएगा। तो वैसे भी एक रूम को बनाने में लगभग 45 से 50 हज़ार ब्रिक्स लगते हैं, ठीक है, 45 हज़ार से 50 हज़ार ब्रिक्स लगभग लग जाता है एक रूम को तैयार करने में। तो आप लोग को ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो बोलो। तो 90% ने ब्रिक्स का एरिया कवर कर लिया था, एक ब्रिक का एरिया इतना है, तो टोटल ब्रिक्स कितने लगेंगे, क्या होगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ब्रिक्स, मोटर नहीं चाहिए इसमें, हाँ, मोटर नहीं चाहिए। अभी लेक्चर में पूछा कि अगर मैं आपको सिर्फ ब्रिक्स दे दूं तो क्या आप वॉल बना दोगे, हाँ जी, आप लोग बना पाओगे, अगर मैं सिर्फ आपको ब्रिक्स दे दूं तो वॉल बना दोगे, कैसे बनेगा सर? नहीं बनेगा। लेकिन एक कैंडिडेट थी, बोले कि सर मैं बना, बन जाएगा सर, क्या टेंशन नहीं। तो मैंने बोला आएगा शाहरुख खान, शाहरुख खान नहीं, वो तो कमज़ोर आदमी है, अक्षय कुमार, ठीक है, तो वो एक सूट मारेगा गिर जाएगा दीवार, सन्नी देओल, सन्नी देओल पे छोड़ो, तो चकनाचूर कर देगा पूरा दीवार को, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब मैं थ्योरी लिख नहीं रहा था, लेकिन आपको समझ में आया या नहीं आया, हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग दिव्य दृष्टि के लिए तैयार है, 5 सेकंड काउंट कर लेना, देखना 5 सेकंड में सॉल्व करके बता, तुम लोग सोचोगे साहब कभी बहुत ही टीचर कभी स्टूडेंट था, स्टूडेंट था, बिल्कुल सही। देखिए देखिए, रेडी, देखिए 5 सेकंड आप लोग काउंटिंग शुरू कीजिएगा, 24 से 24 कट गया, 8 से 8 कट गया, 12 5 बार में कट गया, 90% है, तो 9 × 5 45 होगा, 45 किस ऑप्शन में है, टिक लगाओ, 3 जीरो बाद में चिपका देंगे, हाँ जी, 10% तो हटा, 10% हटा दिया, 90 बचा, 24 से 24 कट गया, मीटर उटर का छोड़ो, अगर हाँ एग्जाम में एग्जामिनर ने अगर आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो फंस जाओगे आप, तब आप अच्छे से ईमानदार रहना। लेकिन एग्जामिनर अगर बेवकूफ निकला, ऐसा ऑप्शन दे दिया, 40,000, 36,500, 36,000, तब फिर क्या करना है, 90 5 9 5 45, टिक लगाया आंसर, बताओ 5 सेकंड में हमने सॉल्व किया या नहीं किया, बताओ। यस अच्छा सर, मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोग को ऐसे बताता स्टार्टिंग में, तो तुम लोग बोलते मेरे को पैसा रिफंड कर दो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, हाँ जी, हैं, नहीं सर, सही बात है ना, यस अगर मैं ऐसे सर, रिफंड नहीं बोलते, लेकिन समझाने के लिए बोलते। अरे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो बोलते, वो इसलिए बोल, नहीं
वो इसलिए बोलते कि ये लगता है यार गवर्नमेंट एग्जाम मेरे बस की बात नहीं है, इससे अच्छा है कि बड़ा पाव का दुकान खोल लें, 20-25 हज़ार जो दिया है कुछ पैसा रिटर्न तो आए, कुछ पैसा रिटर्न तो आएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो कुछ लोगों को ट्रेलर देखते हैं फिर पिक्चर देखने जाते हैं, बट मैं आप लोग को पिक्चर दिखाने के बाद ट्रेलर दिखाता हूँ, कमाल की बात है। एक्चुअली ट्रेलर नहीं, मैं क्लाइमेक्स दिखाता हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? यस। यस अब देखो ये टैंक है, तो पहले टैंक को देख के कैसी फीलिंग आती है? क्या ये स्फेयर है, सिलेंडर है, क्या है, टैंक है क्या? इसका बेसिक डायग्राम क्या है? सिलेंडर सिलेंडर वहाँ पे कोई रस्सी है, कोई रस्सी है घर के आसपास, पंखा है, फांसी मत लगाना, बस मैंने बोला है, लेकिन हरकत वैसे ही किए हो। देखो इधर, पहले मैंने बोल दिया था जब यहाँ रेक्टेंगुलर पाइप है वो हमें समझ में आया, जब टैंक के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था ए क्यूबॉइड कैन बी इन द शेप ऑफ रूम रेक्टेंगुलर टैंक, बोला था या नहीं बोला था? अभी देखो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ये लेक्चर, सही बता रहा हूँ, ईमानदारी से सबूत मेरे पास है, कोई मना नहीं कर सकता है। तो मैंने गवाह पेश कर दूं। गवाह तो वही तब होगा जब रिकॉर्डिंग देखी जाएगी, जज देखेंगे, है ना, और इस पिक्चर के तो जज भी हम ही हैं, और बाकी आगे तुम लगा लेना, ठीक है। हालांकि जजमेंट के लिए तुम लोग को भी देता हूँ 5 सेकंड में, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं, तो तुम लोग बोलते हो सर आप पास हो गए, बराबर ना, ठीक है। उस समय मैं अगर 2013 में अगर बैंक ज्वाइन किया होता तो मुझे लगता अभी तक मैं डिस्ट्रिक्ट का ब्रांच मैनेजर बन गया होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 200 मीटर, 150 मीटर और रेक्टेंगुलर पाइप दिया है, ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो अब बताओ ये क्या है, और ये रेक्टेंगुलर पाइप है ना, हाँ जी। तो पहले पाइप से जाएगा पानी किस में, क्योंकि तीन चीजें दी गई है, राइट, है ना। क्या दिया है, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे बताओ किसी में पानी भरना है तो पानी दो चीज़ में हो सकता है। अब आपके माइंड में रेक्टेंगुलर पाइप आया, तो क्या रेक्टेंगुलर पाइप का मतलब रेक्टेंगल है या सिलेंडर है, आप ऐसा सोच लिए क्या? नहीं, कुछ लोगों के घर में आत्माएं ऐसे भटक रही थी, देखो, है ना, सही बात है ना। रेक्टेंगुलर पाइप, थ्रू ए रेक्टेंगुलर पाइप से जा रहा है पानी। देखो इसमें गलत आपने सोचा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ गलत सोचा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला ना बाबू इन टू ए टैंक, ये क्यों छोड़ दिए? तुम आगे का लाइन पढ़ ली जाते, ओवर स्मार्ट बन गए क्या है जी? ये तो देखो टैंक लिखा है, इसको छोड़ के यहाँ पे आ गई, मतलब अपने घर का दाल, घर घर का खाना छोड़ के रेस्टोरेंट चले गए तुम खाने के लिए, हाँ जी। देखो पहले टैंक में जा रहा है पानी, जा किस रहा है वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम क्या बोल, अभी बोलते हो कि पापा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो पापा पूछते हैं कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, या फिर पूछते जा किससे रहे हो, पहला सवाल क्या होता है, क्यों जा रहे हो, कि पहले पूछते हैं किससे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पापा मैं कल जा रहा हूँ, पापा मैं कल जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, या फिर पूछते हैं किससे जा रहे हो, पहला सवाल कितना किससे पैसा होता लेके, है? मतलब ये तो वही, ये मजा नहीं आया, कितना पैसा लेकर, पहला पापा को सिर्फ इतना बोलो पापा मैं कल जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारे पापा का? 440 वोल्ट का झटका अरे लगेगा। क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो ना, क्यों जा रहे हो ये नहीं बोलेंगे, पहले पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, पापा मैं जा रहा हूँ, तो हो सकता है खेलने जा रहा हो बच्चा, थोड़ी ना दिल्ली जा रहा है, पापा मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, खेलने जा रहा हूँ, अच्छा जल्दी आ जाना, हाँ पापा मैं जा रहा हूँ, कहाँ, मार्केट, जल्दी आ जाना। लेकिन पापा ये बात पहले ये पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो वही चीज़ है कि जा कहाँ रहा है पानी, टैंक में जा रहा है, किससे जा रहा है वो पाइप से जा रहा है वो अलग बात है, पापा पूछते पापा जा रहे हैं कहाँ खेलने के लिए, किससे और जा रहे हो, आपका आवाज कट रहा है। ये एक नया समस्या, बाकी लोगों को तकलीफ है क्या इकने कुटाने की? नहीं सर, नहीं मेरा भी आ रहा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं थोड़ा वो चेंजेस करता रहूँगा फॉर्मेलिटी के लिए। तो टैंक में पानी जा रहा है, तो पहली बात पाइप से जा रहा है किस में, टैंक में जा रहा है, देखो पानी टैंक में चला गया। अब तुम मुझे बताओ टैंक कैसा है, रेक्टेंगुलर होगा या नहीं होगा? होगा, देखो रेक्टेंगुलर टैंक बना दिया हमने, डायग्राम बहुत अच्छा बनता है, महाकाल का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, ठीक है। देखो पानी चला गया टैंक के अंदर, ठीक
हाँ जी दिख रहा है पानी जा रहा है, यस लाल लाल पानी, खून मत समझ लेना, ठीक है। टैंक 200 मीटर क्या है, क्या है ये 200 मीटर इंटू 150। अच्छा एक चीज़ मुझे लग रहा है कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें, हाइट छूट रहा है क्या? अच्छा लिखा है ना वाटर विल बी राइज बाय 2 मीटर, तो पानी जो है ना पूरा नहीं भरना है, टैंक को पूरा नहीं भरना है, कितना मीटर तक भरना है? अगर ये मीटर कितना भी हाइट का हो सिर्फ 2 मीटर ही भरना है, तो हम लोग को पानी यहीं तक भरना है, मतलब पानी जो है ना ऐसे मान लो है ना यहाँ तक 2 मीटर तक ही भरना है, भले भरने की कैपेसिटी ज़्यादा लंबा तक हो, बट अपने को सिर्फ पानी यहाँ तक ही भरना है 2 मीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक इतना ही भरना है आपको, चाहे 5 मीटर तक भरने तक का वॉल्यूम हो हाइट तक, लेकिन आपको 2 मीटर तक ही भरना है। तो लॉजिकली हाइट में चेंजेस आएंगे 2 मीटर, तो ये क्या है, क्या लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये तो 250 मीटर ही रहेगा। यस और नो, ब्रेथ जो था पानी तो पूरा फैल के जाएगा, है कि नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है ना कि आधा दूर तक ही जाएगा, उधर नहीं जाएगा पानी, वॉल पे टच करेगा कि नहीं करेगा बोलो पानी? मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में एक करा रहा हूँ, बट इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं ना आगे फंसोगे नहीं आप। बस कट रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है, कुछ मैडम लग एक रहा काम कर, पियानो बज रहा है। अरे पियानो बज रहा है और बाकी लोग को पियानो बज रहा है, सितार बज रहा है, बताओ भाई। हाँ भाई ये हारमोनियम बज रहा है, बाकी लोग का क्या सीन है? नॉर्मल नॉर्मल आवाज आ रहा है। देखो ऐसा है आपका इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है कुछ, आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक करवाइए बराबर। तो आप एक काम कीजिए रिस्ट, कुछ भी नहीं लगाया, ना हेडफोन है ना कॉर्ड्स है, ऐसे ही, वाह और ऐसे में प्रॉपरली सुनाई देता है। तो आप वो ऐसे ही सुन लो फिर, कोई दिक्कत नहीं ऐसे ही सुन लो फिर, अब क्या कर सकते हैं हम, मोबाइल अब कौन सा आईफोन यूज कर रहे होगे तो फिर शायद प्रॉब्लम आ रही होगी, नॉर्मल का 500 रुपये वाला मोबाइल यूज करते तो प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ जी सॉरी सैमसंग है सर, हाँ डब्बा पता नहीं है कोई। ठीक है, डब्बा ऐसे हो भी नहीं सकता है क्योंकि उसमें गूगल मीट का फीचर नहीं होता ना, ये तो कॉमन सेंस की बात थी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है डब्बा में गूगल फिट मीट का फीचर नहीं होता है। चलो भाई ये 250 मीटर हो गया, ठीक है, और ये 2 मीटर हो गया, और ब्रेथ कितना है हमारा बताइए, ब्रेथ बताइए कितना है, 150 मीटर है, ये 100 नो। हाँ जी तो ये ब्रेथ 150 मीटर हो गया, 250 ये हो गया, 2 मीटर तक पानी लेके जाना है, तो मुझे बताओ वॉल्यूम कितना भरेगा, पाइप कितना पानी भर देगा इसमें? 250 से 200 है ना सर। ओके सॉरी 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 ध्यान नहीं दिया मैंने, 200, हाँ 200 है, तो 200 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ कितना है 150 और हाइट कितना है 2 मीटर तक बढ़ना चाहिए, सिर्फ 2 मीटर तक ही पानी भरना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे औकात हो वॉल्यूम भरने की, टैंक की औकात हो कि मैं 5 मीटर तक भर सकता हूँ, तो मुझे चाहिए ही नहीं, है ना? आपको बोलेगा बेटा पानी लेके आना, गेस्ट आए हैं तो क्या करो, एक बाल्टी पानी ला के दे दोगे? हाँ जी लीजिए जितना जितना पीना है पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक गिलास पानी ला के दोगे या फिर पूरा 2 लीटर वाला जो मिरिंडा का जो था खाली होने के बाद, पेप्सी खत्म होने के बाद ला के लीजिए, आपको जितना पीना है पी लीजिए, एक बाल्टी ला के रख दिया बेटा, पीने के लिए मांगा था नहाने के लिए नहीं, है ना? तो यहाँ 2 मीटर, ठीक है हाँ जी क्लियर है कि नहीं? अब इसको कर लो गुना, 15 दूनी 30 दूनी 60, और कितना जीरो, 1 2 3 0 चिपका दो, है ना 3 0 चिपका दिया, ठीक। ये जो 60,000 वॉल्यूम तक भर गया, लेकिन आपसे पूछा है कि कितने मिनट में 2 मीटर तक बढ़ेगा, तो मुझे बताओ टेक्निकली कि रेक्टेंगुलर पाइप की अगर बात करें तो मेरे पास क्या दिया है, 1.25 बाय 1.5, यस और नो? ठीक है, और क्या लिखा, एट 20 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे बताओ कि 1 घंटे में स्पीड कितना है उसका, बताओ कितने स्पीड से चल रहा है वो, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 ना? हाँ जी 20 20 किलोमीटर पर आवर है, यस और नो? तो मुझे बताओ 1 आवर में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी एक में 20 किलोमीटर, एक्चुअली किलोमीटर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, है ना, वहाँ पे किलोमीटर तो स्पीड हो गया, नहीं ना ठीक तो है, वॉल्यूम वाटर तो फ्लो करेगा ना तो स्पीड ही रहेगा, ठीक है चलेगा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब 60 मिनट में 20 किलोमीटर, यस और नो? हाँ जी बोलिए, तो 1 मिनट में कितना, 20 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँ, क्योंकि ये मीटर में है ना, तो 1,000 हो जाएगा, यस और नो? 20 इंटू 1,000, अब
60 से डिवाइड कर देंगे, यस और नो, गुना कर लिया, इसे छोटा कर लो, ये 10 हो गया और ये 3 हो गया, यानी 1000 बटा 3 मीटर क्यूब, यस और नो। हाँ जी, एक मिनट में लगभग 330 लगभग है ना, इतना मीटर क्यूब भर जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यस और नो? हाँ जी बोलो। हाँ सर, यस और नो। तो एक मिनट में, तो मैं 3.33 नहीं लिख रहा हूँ, 33333.33 मैं ऐसा लिख के बता रहा हूँ आपको सिर्फ कि एक मिनट में अगर 1000/3 मीटर क्यूब भरता है तो मुझे भरना कितना है बताओ। रेक्टेंगुलर पाइप जो है एक मिनट में कितना पानी फ्लो होता है, तो आप बोलोगे इसकी जो वॉल्यूम कैपेसिटी है, यस और नो? हाँ जी बोलिए, यस और नो। तो ये तो हमारा लेंथ है जो भरने की कैपेसिटी रखता है, ये रखता है, लेकिन पूरा पानी आए तब तो, थोड़ा कम आया तो, लेकिन टोटल कैपेसिटी कितनी है पास करने की वाटर, तो आप बोलिएगा कि वॉल्यूम फिल कित पर मिनट कितना होता है पर मिनट, तो एक मिनट में स्पीड तो इतना है ना, बोलो यस और नो। 1000/3 मीटर क्यूब, यस और नो? लेकिन इससे पानी फ्लो कितना हो रहा है, तो उसका पानी का वॉल्यूम, ये तो स्पीड है, स्पीड तो तुमने लिख दिया, पानी तो तुमने लिख दिया, हाँ जी, लेकिन सॉरी स्पीड तो लिख दिया, पानी कौन लिखेगा, पानी कितना जा रहा है, तो पानी कितना फ्लो कर सकता है, इसकी औकात देख लो, किसकी औकात, पाइप की औकात, पाइप की औकात कितनी है, 1.5 × 1.25, ठीक है, ठीक है, बराबर की नहीं, यस और नो? ठीक है, ये पानी का औकात है, तो इसको थोड़ा दो पॉइंट उड़ा दो यहाँ से, एक पॉइंट उड़ा दो 10 आएगा। देखो ये सब मैं आज तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिव्य दृष्टि दिखाऊंगा जरूर, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 25 पांच बार में, 25 चार बार में, 3 पांच बार में, 15 ये तो दो जीरो कट गया, 4 25 बार में कट गया, 25 × 5 कितना होता है, 125, और 125 × 5 इस 625 मीटर पर क्यूब, यानी टेक्निकली एक मिनट में 625 मीटर क्यूब भर देता है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी की है, रिक्वायरमेंट कितनी की है, इतनी की है ना, यस। तो एक मिनट में वॉल्यूम भरने की कैपेसिटी है, मतलब पानी नीचे गिराने की कैपेसिटी है इतनी, लेकिन भरना कितना है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 625 मीटर क्यूब को भरने के लिए, पास करने के लिए एक मिनट का टाइम लगता है, लेकिन आपको कितना भरना है जी, 60,000, यस और नो? हाँ जी, तो क्या आएगा, 1/625 × 60,000, यस और नो? अब गुना कर लो, करो इसको गुना करो, ठीक है। वैसे तो 25 से आप डायरेक्ट काट सकते हो कि नहीं, 25 125 बार में, 25 × 50, 10 बच्चे का 25 × 100, 24,000 या 2400 है ना, 2400। अब इसको और कर लो, फिर से काट लो 25 बार में तो कट जाएगा, नहीं तो आप लोग को 5 से काटना है तो 5 से काट लो 25 बार में, 5 × 20 = 4, 48, ठीक है, बराबर ना। अब इसको फिर से काट लो, अब फिर से 5 से काटूँ कि डायरेक्ट काट दूँ, नहीं कुछ लोग को हार्ट अटैक आ जाएगा देखना भी, 5 × 9 = 45, 3 × 5, ठीक है, 25 से डायरेक्ट ही काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 25 25, हाँ 5 × 25 काट दो, ऐसे कर लो तो डायरेक्ट भी काट दोगे तो कोई दिक्कत, तो 96 टाइम्स में कट जाएगा ये, ठीक है, 5 × 9 = 45, ठीक है, बिल्कुल सही, 5 × 9 = 45, 3 × 5 = 30, क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, 5 × 9 = 45, कैरी बचेगा 3, तो सीधा सीधा कट जाएगा, तो इतना परेशानी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काट लो, ठीक है। तो सीधा 60,000/625 करके आप काट लोगे, 96 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने एक साथ काट दिया तो 96 इसका आंसर हो गया, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, हाँ भाई लंबा मेथड हो गया, क्या आप तैयार हो दृष्टि के लिए? देखो मैं ये दो ही एक ही स्टेप लिखूंगा, अब देखो समझ में आएगा तो बहुत अच्छी, क्योंकि अब मैं कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे आपको विजुलाइज कराना था ना, ठीक है, बराबर ना। चलिए अच्छा, आप लोग क्वेश्चन लिखते हो कि नहीं, बोल दो जल्दी से, नहीं
मानने का तो मन नहीं करता है, बट हम मान लेते हैं, मान लेते हैं। शुक्रिया सर। चलो देखो, सिर्फ मैं एक स्टेप में सब लिख रहा हूं, देखना कितने लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, इसको स्टार्ट करना पड़ लगता है। ये क्वेश्चन लिख लिया है? हाँ, अभी देखो ये। हाँ बार बार नेट, हाँ भाई एक ही स्टेप में सॉल्व करें इसको। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी, सर। अगर ये बात सच है सर तो, अगर आपको सच में ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आप सेल्फ टेस्ट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे सेल्फ टेस्ट? पता है कैसे सेल्फ टेस्ट किया जाता है? कि जो कुछ भी आज पढ़े ना, वो सारे क्वेश्चन को अपना खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। हाँ, आई मीन खुद से सॉल्व करो। मेरे जो अंकल थे, माई फादर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, तो एक अंकल को हायर कर लिए थे, उनके अकाउंटेंट थे मेरे पापा के अकाउंटेंट को, उनको घर पे बुलाते थे, घर पे ही रखते थे उनको, बोलते मेरे बेटा को पढ़ाइए, और मेरा कोई बाहर के ट्यूशन के टीचर नहीं आते थे। तो मेरे पापा का एक इंस्ट्रक्शन होता था कि जो भी स्कूल से आए ना करके, ठीक है, इसको समझ में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन एक सारे क्वेश्चन आप दीजिएगा इसको करने के लिए, और एक भी क्वेश्चन ये चीटिंग करे नहीं। यानी जो आज सुबह में पढ़ के आया ना 12 बजे मैथ या जो भी सब्जेक्ट है, वो सारा क्वेश्चन ये खुद से सॉल्व करेगा बिना आंसर देखे। तो ज़रा सोचो मुझे कितना हैरासमेंट होता होगा, कि मैं पापा को बोलता था, मेरे को सब समझ में आता है पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट लिख दूंगा। बेटा तुम आज लिख पढ़े हो ना, तो आज खुद ही लिख के बताओ, आज का चीज़ आज याद नहीं रहेगा तो तुमको 3 महीने बाद का कैसे याद रहेगा? तो बताओ, जिसके घर में पापा जी इतना हैरासमेंट करते हो, ठीक है, तो आज आपको मैं हैरासमेंट दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, सीख लिया। अब इस क्वेश्चन को रात में सोने से पहले कोई भी 2-4 क्वेश्चन पसंद करो और सॉल्व करो, और कोई स्टेप को उल्टा के देखना पड़ जाए तो उस दिन सोच लेना तुम मेरे साथ या दुनिया के साथ धोखा दे रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में तो आया? चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को ये देख के लग रहा है कि हमने ये क्वेश्चन इस टाइप के 1000 क्वेश्चन कर रखे हैं, ये गलतफहमी पाल लेनी है। मुझे दिखा ये 1.5, 1.25, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 मीटर राइज कर रहा है, 200 मीटर है, 150 मीटर, यानी मुझे चाहिए क्या? टाइम चाहिए, मुझे चाहिए टाइम। यस, तो पहले तो मुझे टोटल वॉल्यूम पे जाना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 200 मीटर × 150 मीटर। एकदम ईमानदारी से देखना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, बोले कोई डाउट है? यस, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक नहीं है। सर, अगर 20 20 मीटर। 20 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर यानी 2000, तो एक घंटे में, देखो 1 आवर में, मैं फिर से लिख देता हूँ, छोटा सा ही लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, 20,000 मीटर। तो 60 मिनट में कितना? 20,000 मीटर, यस और नो? यस। तो 1 मिनट में कितना बोलिए? यस, 20,000 नहीं, 2000, सॉरी, नहीं 20,000 ही तो ठीक है, 20,000, 20,000 तो 0,0 कट जाएगा। तो 1000/3 मीटर, यस और नो? लेकिन भरना कितना है? एक पाइप की कैपेसिटी कितनी है? 1.5 × 1.25। तो सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, 1000/3 × 1.5 × 1.25। आप लोगों को समझ में आया ये बात या नहीं आया, बताओ ईमानदारी से, यस और नो? यस सर। समझ में आया? बस इसको सॉल्व कर लो। मैं चाहता तो ये चीज़ पहले भी लिख सकता था, लेकिन आप लोगों का अगर, चला सोचो, अगर मैं ये चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया होता और मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता तो आपको समझ में आता? ईमानदारी से बोलो, हाँ या ना? हाँ जी,
आता क्या? नहीं आता, ईमानदार रहो ना, नहीं आता है ना। अब डायग्राम वग्राम सब कुछ बना लिया, सारे पाप कर लिया आपने, 5 2 10, 5 3 15, अब देखो कितना आ रहा है, 25, 5 बार। हालांकि तुम्हें तो डायट बोल सकता है, 125% 5/4 है, बट कुछ लोग किडनी में अटैक आ जाता, तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आता कि भाई किडनी में अटैक आ गया इसको। बताओ 3/2 × 5/4 क्लियर है, इसको ऊपर ले जाओ और काट लो इसको, 2 × 15 × 2 × बहुत मज़ा आ रहा है नहीं ऐसा देखने में, ये काटेंगे वो काटेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है, 3 × 3 × 5 है ना, 5 3 15 सीधा कट गया, ठीक है, 2 5 टाइम कट गया ये। अच्छा कुछ और कटने लायक नहीं है क्या, ऐसा कैसे हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ी कर दी है जी? सर 5 50, हाँ कुछ छूटा ना। देखो भाई ऐसा है कि मेरे यहाँ से पाप नहीं करवाया करो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी की है बताओ जरा, कटेगा ना। अच्छा रुको रुको, ये 5 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 2 6 4 24 48 के बेवकूफ़ बना रहे हो, हैं 2 15, हाँ 2 × 15 × 2, तो यहाँ पर 1, अरे 150 है तो 1 0 और आएगा ना जी, कैसी बात करते हो, ये 150 मीटर है, तो अभी यहाँ पर 200 है, 150 है, 2 है, ठीक है, अपन 1000/3 हो गया, ये चीज़ें हो गई, इंटू कितना आ गया, 1.5 × 1.25, तो वन इतना लंबा करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, इसको 3/2 लिख दिया, 25 25 25 25 × 4, ठीक है, तो ये तुम्हारा कट गया, दो ये 2 0 यहाँ से कट गया। वैसे तुम डायरेक्ट लेके जाओ, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी चीज़ें शॉर्टकट ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है ठीक है, 1000/3 × 3/2, यस और नो, और ये कहता है 5/4, यस ठीक है। आपको देखो एक तरीका है, आप ऐसे काट लो इधर से, ठीक है, या फिर एक ऊपर लेके जाओ, ठीक है, करो कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है। अब इसको ऐसे मत काटना, यहाँ पे मत काटना, ऊपर ले जाओ सबको, 200 × 150 × 2 × 3 × 2 × 4 / 1000 × 3 × 5, अब देख रहे हो कि कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 और 1 3 जो हमने यहाँ से काट दिया, यस और नो, 3 यहाँ से काट दिया है ना, बराबर की नहीं, बोलो यस और नो, ठीक है, तो ये 5 3 बार में कट गया, देखो 3 2 6 2 12 2 24 × 4 96, देखा आपने आ गया कि नहीं, यस और नो, हाँ जी। तो आप इसको ऐसे मत काट देना, यहाँ से मत काट देना, क्योंकि इसके नीचे 1 भी है, पिछले बार मैंने काट दिया था, तो जो रिकमेंडेड नहीं है उस टाइप से काटना मत आप, नहीं तो नीचे का काट दोगे तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो नीचे से मत काटें, इसके नीचे 1 भी है, तो ठीक है, ये ऐसा होगा a/b/c/d, तो तुम काटोगे क्या, सी और डी कट जाएगा क्या, नहीं, ऊपर लाना है और उसको यहाँ आना है। अगर मैं बोलता ऐसा है ab/bc/dc/ef, तो आप इस दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना कि सी सी को काट दोगे, हैं जी बता दो तुम लोग, हाँ करोगे ऐसा, नहीं करना बोले तो, हालांकि ये तुमको ऐसा फील देगा कि ये 6 है और ये 3, ये मान लो 12 है, 12 नहीं 18 है, तो काट मत देना 3 से, हालांकि फील ऐसे आ सकती है बट ऐसा करना मत, ठीक है ना, तो ये थोड़ा काटना भी जो है ना थोड़ा ध्यान से करना होता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं सबको, यस और नो, हाँ जी। तो ऐसे करना था, ये मैं डायरेक्ट भी कर दे सकता था उस टाइम पर, बट मैंने किया इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों का मतलब कन्फ्यूज़न किसी तरह क्रिएट ना हो, मतलब पता चला अभी तो याद है बाद में भूल जाओ। चलो अगला, द डायमेंशंस ऑफ एन ओपन बैक्स आर 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल यूज हुआ है बॉक्स में 0.5 ग्राम का, तो वेट ऑफ द बॉक्स निकालना है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बोलो कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई है ना, ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है, जरा ट्राई करो आप इस क्वेश्चन को भाई, कोई है, एक सेकंड होल्ड करो, ठीक है।
उसी के अंदर चेंज करना है। चलो देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ एन ओपन बॉक्स, हाँ भाई अच्छा इसमें बताओ करें करना क्या चाहिए बताओ। वेट ढूंढना है, ठीक है भाई। ओपन बॉक्स है 50 सेंटीमीटर फुट। अच्छा इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको, आपको पता चला कि बॉक्स कैसा है इसमें, आप देखना चाहोगे बॉक्स कैसा दिखता है? हाँ जी, अरे बोलो, अरे नहीं बोलोगे, आप देखना चाहते हो बॉक्स कैसा दिखता है? अरे नहीं बोलोगे, हे भगवान। देखो ये बॉक्स है, क्या ये बॉक्स हमने सही बनाया? नहीं, ये बॉक्स हमने सही नहीं बनाया, इनकम्प्लीट है ये बॉक्स। कैसा है आप देखना चाहोगे बॉक्स कैसा दिखता है? दिखाता हूँ मैं अभी, जन्नत दिखाता हूँ आपको। यस देख लेना, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हेलो 1 2 3 माइक टेस्टी। हाँ जी, फोर साइड नहीं बना दिए, थिकनेस बनाए हैं, कमाल के लोग हैं भाई धरती पे। इतना मोटा है ये, कुछ भी आदमी भी बैठ जाए ना तो टूटेगा नहीं, फेविकॉल का जोड़ है छूटेगा नहीं, देख रहे हो? हाँ जी, ये है, पतला आइटम नहीं है, एकदम मोटा आइटम है, टूटेगा नहीं। देखो अब समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ जी, इतना मोटा है ये लेयर, मेटल डाला हुआ है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि एक आदमी बैठ गया तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? अरे बोलो, अब फील आया कि नहीं? तो जरा ईमानदारी से, नहीं बोलोगे? आया आया ना, ठीक है। चलो ये थोड़ा और कर देते, नहीं तो बोलोगे आधा अधूरा काम है क्या, ये बना दिया हमने। डायग्राम अच्छा बनाया, नहीं बोलो सर दिल रखने के लिए बोल देते हैं, हाँ अच्छा बनना है। देखो अब ध्यान से देखो कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर का मेटल लगाया गया है, कितने सेंटीमीटर का बना है? एक क्यूबिक सेंटीमीटर का, ठीक है। और बॉक्स वे कितना करता है, कितना करता है बताओ जरा, पॉइंट। तो मेटल जो यूज होता है, यानी वेट ऑफ मेटल कितना है बताओ? ये जो मेटल है ना, यहाँ देख रहे हो, इसमें जो मेटल लगाया गया, देख रहे हो ना ये, अरे नाजुक रखोगे तो टूट जाएगा ना, मेटल डालेंगे तो मजबूत रहेगा, यस और नो? तो वेट ऑफ मेटल कितना है? अब ऐसा तो नहीं है कि 100 किलो का हम मेटल डाल देंगे ताकि वो आदमी से उठे ही नहीं, है ना? बॉक्स है, उठाने लायक होना चाहिए, है कि नहीं? तो मेटल कितना डालेंगे? 0.5 ग्राम, कितना जी? हाँ जी, लेकिन कितने के लिए? फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, यानी एक, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर क्यूब है, समझ रहे हो? बस इतना सा छोटा सा टुकड़ा उठाया, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस यहाँ इसका कितना ग्राम होगा? 0.5 ग्राम। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, यस सर। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.5 ग्राम है, तो मान लेते हैं कि सबका थिकनेस जोड़ जाड़ के 50 सेंटीमीटर क्यूब, मान लेते हैं, कन्फर्म नहीं है, मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम बताएंगे इंटू 50 इंटू 0.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेक्निकली 25 ग्राम का मेटल लगा। ये समझ में आया कि नहीं? इतना ऐसा हो सकता है, यस और नो? 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.5 ग्राम है, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? 50 सेंटीमीटर का क्यूब का क्या होगा बताओ? 25 ग्राम का। तो ये आपको समझाने के लिए बोला था, डेटा यहाँ पे अलग है थोड़ा सा, डेटा 50 ग्राम होगा कि 60 ग्राम होगा 100 ग्राम होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन टोटल कितना होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि टोटल लेंथ कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना मेटल का यूज हो रहा है ना, ठीक है। चलो तो डायमेंशन कितना है? 50, 40 और 23। तो 50 कौन सा होगा? लेंथ होगा, यस और नो? हाँ जी, 40 क्या होगा बताओ जल्दी से? लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखने का परंपरा होता है बॉक्स में, तो ब्रेथ 40 का होगा, यस और नो?
और हाइट का परंपरा कितना होगा, जल्दी से बताओ ईमानदारी से। हाँ जी कितना, 40। लेकिन कहा गया है ओपन बॉक्स का, किसका ओपन बॉक्स। तो ओपन बॉक्स का मतलब इसके, ये जो बॉक्स है ना इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना ये एम्प्टी है, खाली है। क्या? हाइट 40 कैसे हुआ? अच्छा 40 नहीं, 23, सॉरी। अरे रे सही किया याद दिला दिया, 23। अरे पूछ, बोला करो ना कि सर मुझे लगता है यहाँ 23 होना चाहिए, कोई सामूहिक मर्डर तो हो नहीं जाएगा, चुकला है हो गया वहाँ पे, जिसको बोलते हैं टाइपिंग एरर, है ना। अरे कुछ बच्चे बोलते हैं सर वहाँ 2040 नहीं है, 23 आएगा। तो ऐसे बोलो, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, इसमें क्या है ना। तो ऐसा मत सोचो कि मैंने लिख दिया तो पूरा वो हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये 23 आ गया, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओपन बॉक्स का मतलब क्या, खुला बॉक्स, इस पर कवर नहीं है। ओपन बॉक्स का मतलब क्या होता है, खुला हुआ बॉक्स जिसमें कवर नहीं है, नहीं। ठीक है, कवर नहीं है, ठीक है। तो कवर नहीं है, अच्छा बताओ कवर नहीं है, ऊपर कवर नहीं है तो क्या नीचे भी कवर नहीं होगा? नीचे होगा ना भाई, संभाल रखना है। नहीं तो बॉक्स ही नहीं होगा, वो वॉल्स बन जाएगा, फोर वॉल्स और फिर रूम। लेकिन नहीं, रूम में भी तो फ्लोर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 40 50 40 23 का काम हो गया, लेकिन देखो अभी काम खत्म नहीं हुआ। अगर ये 50 आउटर आउटर लेंथ है तो थिकनेस जो होगा अंदर वो छोटा होगा या बड़ा होगा, ये बताओ मुझे। इतना मत बताओ कितना छोटा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, ईमानदारी से बताओ। छोटा तो होगा, छोटा होगा ना। परफेक्ट, छोटा होगा, बहुत अच्छा, परफेक्ट, आपने सही कह दिया, परफेक्ट सही होगा। लेकिन मुझे बताओ कि 0.5 ग्राम जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, क्या वो 0.5 थॉरली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा हर सेंटीमीटर क्यूब के लिए, यस और नो बताओ। थॉरली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, यस और नो, है ना, बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो अब इसमें हमारा मेटल कितना लगा कि बाहर का वॉल्यूम और अंदर के वॉल्यूम हम घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, यस और नो। तो देखो सामने वाले ने सीधा बोल दिया है कि इसका थिकनेस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। थिकनेस कितना है, 3 सेंटीमीटर, यस और नो, बोलिए क्लियर है कि नहीं। ठीक है तो देखो अगर मुझे बताओ थिकनेस अगर होगा तो एक नीचे भी होगा, हाँ जी, और एक ऊपर भी होगा, यस और नो। यहाँ पे देख पा रहे हो कि नहीं, यस। 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो 3 ऊपर भी होगा, यस और नो, 6 होगा कि नहीं। तो अगर ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 है तो 3 ऊपर से घटा दो ये थिकनेस को हटाने के लिए, और 3 यहाँ से घटा दो, तो कितना नेट अंदर का लेंथ कितना बचेगा बताओ। 50 माइनस 3 44 बचेगा। इंटरनल लेंथ, इंटरनल लेंथ, इंटरनल लेंथ, उसी तरह से लेंथ की बात हो गई, ब्रेथ की बात कर लेते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे 3 है तो ऊपर भी 3 होगा, यस और नो। हाँ जी, यस और नो, यस, यस सर। ठीक है। तो 3 नीचे है, 3 ऊपर भी रहेगा तो क्या होगा। अब मुझे बताओ इसके लिए हमने कितना लिया था। अब देखो यहाँ तो, सॉरी नीचे नहीं, ब्रेथ में, सॉरी ब्रेथ में, ब्रेथ में, ये वाला ब्रेथ, ब्रेथ की थिकनेस की बात करें, लेंथ की नहीं, ब्रेथ की। तो ब्रेथ का थिकनेस की बात करेंगे, इंटरनल ब्रेथ, यार इंटरनल ब्रेथ कितना होगा, तो बाहर का कितना है, 40 है, -3 + 3, यस और नो। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा, 34 34। लेकिन हाइट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, हाइट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि हाइट यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो तुमने इस वाले से कवर कर लिया, ये इससे कवर हो गया, लेंथ में कवर हो गया ना ये पार्ट, यस और नो। अब ब्रेथ में कवर ये वाला पार्ट हो गया, तो हाइट में कोई छिड़काने की जरूरत नहीं है आपको, तो आउटर वाले में रख दीजिए। तो बाहर वाला कितना है, 23। तो हाइट जो था, हाइट, हाइट कोई थिकनेस होता है क्या, थिकनेस तो लेंथ का होगा, ब्रेथ का होगा, यस और नो। तो एक्चुअली होना तो चाहिए हाइट का, लेकिन ब्रेथ के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया और लेंथ के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो हाइट में आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो 23 में सिर्फ एक ही थिकनेस लेना पड़ेगा आपको, आप चाहे इधर का लोगे या इधर का लोगे, दोनों साइड को लेने की जरूरत आपको नहीं। बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो। हाँ जी, सिर्फ एक जगह का लोगे, या तो इधर का लोगे, इधर का लोगे तो इधर की जरूरत नहीं है, इधर का लोगे तो इधर की जरूरत नहीं है। तो 20 - 3 कितना हो गया, 20 आ गया, यस और नो, बोलिए यस और नो,
क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक अब मुझे बताओ मेटल कितना होगा, मेटल कितना वॉल्यूम का होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटल, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम कितना है मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यस और नो? इंटरनल का कितना आ गया था, दो जगह होगा, तीन का डबल छः यानी 44। मैं डायरेक्ट बताता हूँ दिव्य दृष्टि से, 40 का डबल 40 हो गया, 40 माइनस 6 34 आ गया। और हाइट सिर्फ एक जगह लेना है, ठीक है, कहाँ पे, 23 माइनस 3 20 हो गया, यस और नो? इसको घटा दो, 5 चौक 20 या फिर 23 का डबल 680 और 2 00 चिपका दो, ठीक है? देखा मैंने क्या किया, 5 चौक 20, 23 का डबल, अरे 46 होता है ना जी, 23, 5 चौक 20, 23 का डबल 46 होता है, यस 46। और कितना जीरो चिपकाना है, 1 2 0 चिपकाना है, यस, और क्या, 1 0 और चिपकाना है, ठीक है, क्लियर है? 46,000 माइनस, घटा दो इसको, कितना आएगा, 34 का डबल 6, ये देखो यहाँ पे किया हुआ है ना, क्यों अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, सेम ही चीज़ तो कर रहे हैं ये लोग भी, है सही है ना, क्लियर है? तो 16080 आ गया, ठीक है, 16080 आ गया, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? तो ये 16080, लेकिन मुझे बताओ इतना सेंटीमीटर क्यूब में मेटल फैला हुआ है, तो एक्चुअल मेटल क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो वेट ऑफ मेटल क्या होगा, एक सेंटीमीटर क्यूब में, एक सेंटीमीटर क्यूब में 0.5 ग्राम है, यस और नो? तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कहा, 16080 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 0.5 बाय 1 इंटू कितना, 16080, यस और नो? तो एक्चुअल में हाफ, 16080 का हाफ कर देना है, यस और नो, है ना, वन हाफ ऑफ 16080, ठीक है? अब ये जो भी निकलेगा ग्राम में निकलेगा, किस में निकलेगा, ग्राम में, सही बात है ना, ग्राम लिखा है ना, देख रहे हो ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, केजी से, केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी, यस और नो? क्योंकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो इसको 1000 से डिवाइड भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कर लो, ये आ जाएगा 8040 अपॉन कितना, 1000, 80.4, क्लियर है? ये 80.4 के जी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे बताओ ये तो ये, हाँ हाँ सॉरी, 1 0 है ना, 3 0 आएगा, हाँ 80 नहीं, 8.0, 8.040, ठीक है, 8.040 आंसर आ जाएगा, क्लियर? बट ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो देखो, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, पूरी पिक्चर देख रहे थे आप, ठीक है? आई होप कि सब लोग को चीज़ें समझ में आ गई होगी, बिना डायग्राम के आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, यस और नो? अभी तो आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना डायग्राम का देखो, इस पता है कि आप सॉल्यूशन वगैरह पे मतलब डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि बिना डायग्राम के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? आप रट भले लो, लेकिन बिना डायग्राम का, ठीक है? स्कूल टाइम में भी बहुत सारे बच्चे ना, कि जो टॉपर होता था उसको 100 में 100 आता था मैथ्स में, यस और नो? और जो सेकंड टॉपर आता था उसको आता था 94। तो सब टीचर बोलते थे कि सर सेम क्वेश्चन हमने भी आंसर निकाला, बट इसको सर आपने 100 दे दिया, मुझे 98 क्यों? तो बोले ये डायग्राम बनाया ना, देखो क्वेश्चन कॉपी चेक करवाते थे ना, बोलते थे सर हमारे साथ गलत कर रहे हो आप, बोलते देखो इसका डायग्राम बनाया है, ए बी सी डी सब बनाया है भाई, 2 नंबर वाजिब बनता है ना इनका, ऊपर से देखो तुम 23 पेज लिखे, ये 36 पेज लिखा है, तो कुछ फ़र्क होगा ना, तो 2 नंबर दिया है 12 पेज पे, क्या जान लोगे? बोलता ठीक है सर, अगली बार हम भी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? तो आप लोग को समझ में आया मैं डायग्राम क्यों बनाता हूँ, स्कूल के लिए नहीं, विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है? स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दोगे ना तो 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब बोलो सर ये कैसे, आई होप लो जो जो इन्फॉर्मेशन है उस लाइन में ड्रॉ करते जाओ, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। एक लाइन पढ़ के सोचो कि कालिदास बन गए तो ऐसा होने वाला है नहीं। चलो आई होप सब लोग क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करते हैं। देखो हमें दिख रहा है थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है हमेशा किसी भी बॉक्स के अराउंड लेंथ ब्रेथ में ही काउंट होता है ना, हाइट में नहीं होता। तो हाइट हमें सिर्फ एक बार लेना है, क्योंकि हम लेफ्ट का लेंगे तो राइट की जरूरत नहीं, राइट का लेंगे तो लेफ्ट की जरूरत नहीं, इतनी बात हम मान लेते हैं, ठीक?
तो यहाँ पर तीन है, तो इसमें से क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे, 5 चौक 20 23 19 46 और 1 2 3 0 चिपका देंगे, ठीक है। थिकनेस में क्या होगा, 50 में 6 चला जाएगा क्योंकि 3 का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 44 इंटू ये कितना आ जाएगा, 6 घटा देंगे 34 आ जाएगा, 23 में एक बार घटाएंगे 20 आ जाएगा, यस और नो, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें पता 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.5 ग्राम है, तो इतना में कितना होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा, बताओ, यस और नो, इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, इंटू 0.5 करना है बस भाई, इसको इंटू 0.5 ही तो करना है, सेंटीमीटर क्यूब ही तो आएगा ना आंसर, यस सर। अब 1000 से डिवाइड तुम करो या ना करो, करोगे तब जब केजी में दिया रहेगा, ग्राम में रहेगा तो काय को डिवाइड करने का, खत्म कहानी। 16080 इंटू हाफ कर लो इसको, 8040। अब 80.4 थे, 8.4 थे, ये ग्राम में निकला है, खत्म कहानी, कहाँ जरूरत थी बताओ, ईमानदारी से जो काम है इसी में है, बस मल्टीप्लाई करने में, इसको मल्टीप्लाई करना भी एक तरीका था। कुछ बच्चे कैसे करेंगे, कितने नालायक लोग होते हैं, वो ऐसे करेंगे 23 to 4 92 बनाएंगे, फिर 5 से करेंगे, देखो कितने मतलब हद हो गया, मतलब सत्यानाश एकदम, जिंदगी नरक में जाएगा वो बच्चा, 5 to 46 देखो। और मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 5 4 22 23 2 46, नरक में नहीं जाएगा वो बच्चा जो इससे मल्टीप्लाई करेगा, वो बच्चा तो जिंदगी में कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्जुन को सिर्फ ना मछली की आंख दिखती थी, पता है ना, बाकी को देखो क्या दिखता था। द्रोणाचार्य ने पूछा बहुत लोग से, ठीक है। वैसे एक जोक है, एक सुनाओ अकबर बीरबल वाला, आपको सुनना चाहोगे, सुनाओ सुनाओ सर, देखो 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा पूरा, 1 मिनट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है सुन लो। देखो ये अकबर है ना, ये अकबर जी हैं, अकबर, अकबर का प्रिय था बीरबल, कौन था, बीरबल, और अकबर के दरबार में तो बहुत सारे लोग रहते थे, यस और नो, सब लोग कंप्लेन लेके गए अकबर के पास, अकबर के पास कंप्लेन लेके गए कि महाराज आज हमें आपसे शिकायत है। बोले क्या शिकायत है, कि आप ना बीरबल को ज़्यादा ना वो देते हो, भाव बहुत देते हो, हैं हम लोग क्या, हम लोग मार्केट में वैसे ही हैं क्या, हम लोग भी थोड़ी इज्जत दे दिया करो, हम लोगों को आज आप सेनापति बना रखे हो बीरबल को, हम लोग में से किसी को क्यों नहीं बनाते हो, लास्ट 25-15 साल से तो बीरबल ही बना हुआ है, हम लोग को भी मौका दो कभी। तो अकबर बोलता है तुम लोग लायक ही नहीं हो, तो ईगो हर्ट नहीं होगा इन लोगों का, मान लो इसका नाम, इसका नाम होगा राजगुरु, इसका नाम है महादेव, मान लो एग्जांपल है ना, है ना, इसका नाम है राजवीर, एकदम खतरनाक खतरनाक नाम रख रहे हैं, ठीक है। इन लोगों का क्या होगा, ईगो हर्ट हो गया, तो बोले कि ठीक है देखो मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि तुम लोग गधे हो और बीरबल इंटेलिजेंट है। तो बोलता है, और खून खौल गया इन लोगों का कि सर मतलब महाराज आप तो बेइज्जती कर रहे हो हमारी, सामूहिक बेइज्जती कर दी आपने, बीरबल जब नहीं था तब बोले ये लोग कि हम लोगों को भी कभी सेनापति बनाओ हम लोग में से। तो बोला कि ठीक है, अकबर बोला मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि अकबर इस दरबार में सबसे इंटेलिजेंट है। तो बोला सर प्रूफ करके बताइए। तो अकबर बोला कि तुम लोगों में से कोई एक आदमी चुन लो जो लगता है कि बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो मान लो इसमें से सब लोगों ने मिलकर राजगुरु को पसंद किया कि राजगुरु तुम्हारे पास हमारी इज्जत है, हम राजगुरु को अपॉइंट करते हैं कि एक अकबर बीरबल को इंटेलिजेंस के मामले में क्या दे सकता है, वो टक्कर दे सकता है, हाँ चुनौती दे सकता है। तो अकबर ने बोला ठीक है एक काम करो राजगुरु आओ मेरे सामने। तो आ गया राजगुरु, यहाँ खड़ा हो गया, मेरा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक महल बन रहा है, तुमको पता है एक महल बन रहा है राजगुरु। बोला हाँ बन रहा है सरकार। बोला ठीक है जाके पता लगाओ कि वहाँ पर कितने ब्रिक्स आए हैं, मतलब कितना ब्रिक्स आ चुके हैं, कितना ट्रक ब्रिक आ गया है, मतलब ब्रिक समझते हो ना, ईटा कितना आ गया। तो गया राजगुरु पता किया, तो वहाँ पर 1000 ब्रिक्स लगे हुए थे। पूछा, बोला वापस आया, बोलो कितना कितना ब्रिक्स लगे थे अकबर ने पूछा राजगुरु से। तो राजगुरु 1000 लगे थे। तो बोला अरे रे 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 ठीक ठीक बहुत बढ़िया है, तुम बहुत जल्दी आ गए, वेरी गुड वेरी इंटेलिजेंट, बहुत जल्दी काउंट कर लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वहाँ पर कितना पैकेट सीमेंट आया था, सीमेंट कितना आया था। तो राजगुरु बोला अरे सर ये तो मैंने देखा ही नहीं, जाओ देख के आओ। गया
देख क्या 100 पैकेट सीमेंट आया था, मान लो 100 पैकेट था। फिर राजगुरु आया वापस, पूछा कितना पैकेट सीमेंट आया था, तो उसने बोला सर 100 पैकेट आया था सीमेंट। बोला बहुत इंटेलिजेंट हो तुम राजगुरु, बहुत जल्दी जल्दी काउंट करके आ जाते हो, वेरी गुड। अरे कितने लोग काम कर रहे थे, ये तो बोलना ही पूछना ही भूल गया तुमसे, कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ। तो बोला अरे सर ये तो मैंने काउंट किया नहीं महाराज, जाओ देख के आओ। तो 50 लोग काम कर रहे थे, कितने लोग काम कर रहे थे, 50 पीपल, लेडीज जेंट्स मिला के, ठीक है, कितने लोग काम कर रहे थे, 50 लोग। फिर गुरु आया, फिर बोला 50 लोग कर, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम राजगुरु, सच में तुम टक्कर दे सकते हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है, 50 लोग काम कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तुम अच्छा ये बताओ कि हमारे कितने दीवाल खड़े हो गए हैं। बोला अरे ये तो मालिक काउंट ही नहीं किया, जाओ देख के आओ। फिर से गया, देखा कि 18 18 दीवाल बन गए थे, 18 दीवाल बन चुका था महल का, समझ रहे हो मेरी बात, अरे सुन रहे हो ना तुम लोग, हाँ जी, अठारह अठारह दीवाल बन गया था। तो बोला अब तो काफ़ी थक गए होगे, खाना वाना खा लो तुम, अब मैं बिरबल जॉब, कोई एक आदमी तुम लोग में से बोलो महाराज ने याद किया बिरबल को, बिरबल सो रहा था, बिरबल को उठाया, अरे नालायक संडे है क्या छुट्टी कर रहा है तू, जब महाराज ने बुलाया है। सब लोग ये सोच रहे थे आज बिरबल की नौकरी गई। अकबर ने वही सवाल उसी दिन पूछा, मतलब 10 बजे से सुबह से लेके, सॉरी 8 बजे सुबह से लेके 12 PM तक सब लोग दरबार में बैठे थे, और 12 बजे बिरबल को बुलाया गया और बोला अकबर, अरे अकबर एक छोटा सा, अकबर बिरबल एक काम था, अपना एक महल बन रहा है ना, वो जाके देख के आओ ना कि वहाँ पे कितने वृक्ष लगे हुए हैं। यार ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा अर्जेंट काम है दरबार में, तो इन लोगों में से किसी को मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि मुझे इन लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम जाके देख के आना। महाराज आज तो मेरी छुट्टी है। अरे जाओ ना यार, एक दूसरे दिन छुट्टी ले लेना, ऐसी क्या बात है। तो बोला ठीक है महाराज, लेकिन मैं कल छुट्टी पे रहूँगा, हाँ, क्योंकि मेरा आज आपने वीक ऑफ खराब कर दिया, मैं सो रहा था। बोला कोई दिक्कत नहीं, तुमको 3 दिन का छुट्टी दूंगा, फिर आज तुम मेरा काम कर दो ये। तो गया काउंट किया, फिर वापस आया बिरबल, पूछा महाराज ने कि महाराज, हाँ अकबर ने पूछा बिरबल कितने वृक्ष थे वहाँ पे। तो वृक्ष तो मालिक 1000 था। अच्छा कितने लोग काम कर रहे थे बिरबल? लगभग 50 लोग काम कर रहे थे। अच्छा, कितने दीवार खड़े हो गए थे? 18 दीवार खड़ा हो गया था साहब महाराज। अच्छा, सीमेंट का बोरी कितना आया था? 100 पैकेट सीमेंट आया था महाराज। तो सब लोग ना का हालत क्या हुआ होगा बताओ, हाँ जी, राजगुरु को जो अपॉइंट किए थे, हाँ जी, उन लोगों का किडनी में अटैक आ गया, बोले हमारी औकात नहीं है हम लोग को हाँ तो मालूम है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, राजगुरु को अपॉइंट किया और वो सोचते थे कि सेनापति बन सकते हैं, समझ रहे हो। तो एक बार में जब मैं एक लाइन पढ़ूँ तो समझ लो कि 5 6 इंस्ट्रक्शन माइंड में कैप्चर करो, कुछ नालायक तो 3 को गुणा करेंगे, उसमें भी 5 मिनट लगा देंगे। समझ रहे हो, तो यही फर्क है अकबर में और बीरबल में। तो गवर्नमेंट जॉब उसी को मिलेगा जो बीरबल है, ईमानदारी से बेइज्जती कर रहा हूँ, माला का टेंशन नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे, तैयार है आप? अगला कंसेप्ट है हमारा क्यूब का, किसका है, क्यूब का। क्यूब का है, ठीक है, तो क्यूब में जरा देखो, मुझे बताओ क्यूबॉइड में क्या फर्क था, क्यूबॉइड में क्या था, चलो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्वेश्चन आ गया। आप लोगों को क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस और नो? क्यूबॉइड में आपने ये देखा, यस और नो? और क्यूब में भी मैंने आपको बता दिया था कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, क्यूबॉइड का ही फॉर्म होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ए इंटू ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब, यस और नो? और सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, बेसिकली एक क्यूब क्या है, 6 स्क्वायर है, बोलो यस और नो? हाँ जी, क्या आपको 6 स्क्वायर नहीं दिखता है, पहला दूसरा पीछे वाला तीसरा, पहला ऊपर वाला दूसरा, 6 स्क्वायर ही है। तो बेसिकली क्या है, तो हम ऐसा कह सकते हैं एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 × 6 एरिया ऑफ स्क्वायर, यस और नो? हाँ जी, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं, 6 × 6 एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एक एरिया ऑफ स्क्वायर और ऐसे 6 हैं, तो 6 × एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 6 स्क्वायर, ऐसे भी सोच लो, क्या दिक्कत है। और नहीं तो LB LB लगाते रहो, वो भी ठीक है, तो उतना काय टेंशन लेना, सीधा सीधा स्क्वायर है तो खत्म बात। तो 6 स्क्वायर को फेविकॉल से चिपका दिया, बन गया क्यूब, यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? हाँ,
ठीक है चलो। तो अब हमारा वॉल्यूम और सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सब, वॉल्यूम तो समझ में आ गया। अच्छा डायगनल दिया है, तो डायगनल मैंने क्या बताया, देखो ये डायगनल है ना, ये डायगनल ऐसा, डायगनल का पेंसिल डायगनल मैंने बताया था, पेंसिल जो होता है अंडर रूट ऑफ ए रूट थ्री, तो वैसे भी मैंने निकाल के दिखाया, बोल मत नहीं तो सामूहिक मर्डर हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं ईमानदारी से। 6x मैंने लिखा था कि नहीं, डायगनल ए रूट थ्री, बोला मत कि नहीं लिखा था। हाँ जी देखो, हाँ जी तो कहाँ बोले कुछ तो बोलो ना, बोल नहीं रहे, ये तो प्रॉब्लम है, ना कुछ बोल नहीं रहे हो, ये तो प्रॉब्लम है, मेरी नड़ी लग रही है भाई, 6,500 कैलोरीज लग जाते हैं मेरे, ठीक है। अब बोलोगे साहब कैलोरी काउंट कैसे करते हो, ये मत पूछना मेरे से बस। ऑब्जर्वेशन है, मुझे पता है सर। भगवान, हर चीज में बिरबल कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है क्या? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। डायगनल बात करें, डायगनल ए रूट थ्री है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, तो ए रूट थ्री हो गया। अब डायगनल ए रूट थ्री है, तो ये देखो 6√3 इज इक्वल टू ए रूट थ्री, यस और नो? √3 √3 कट गया, तो ए का वैल्यू कितना गया 6, वॉल्यूम क्या आएगा 6³ इक्वल टू 216, ठीक है। इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था पहली बात तो, और सरफेस एरिया का क्या होगा 6a² तो 6 × a² कितना होता है, वही 6 ही होता है, 6² तो 6³ ही हो गया 216, यस और नो? अगर पेन चलाए तो ना भगवान माफ़ नहीं करेंगे, ईमानदारी से बताऊँ, ये फालतू क्वेश्चन में, खराब ये फालतू क्वेश्चन में अगर कोई चलाएगा ना तो फेल ही है वो, तो पेन चलाने वाली बात नहीं। क्या आप तैयार हैं यस और नो बिना पेन चलाए सॉल्व करने के लिए? यस सर। ठीक है ठीक है चलो, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 6√3, तो आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे ना? हाँ जी करोगे, यस सर। ठीक है। एक एक काम करना, 1 महीने का करके लिखना, ठीक है, और फिर भी तुम लोग को लगे तो 50 रुपये में भी एक दिन के लिए लेते हैं, कि आप देखना सुबह जाना 10 बजे और 8 बजे रात में आना, और उसी दिन को अगले दिन से कंपेयर करना जो दिन भर में पढ़ाई करते हो। घर में देखना, कभी दूध वाला आएगा, कभी मम्मी बोलेगी पानी भर लो, कभी बोलेगी कि ये दरवाज़ा खोल दो, तो ये सब चीज़ों से जो है ना बचना है ईमानदारी से। पर जो जॉब करते हो वो जो जॉब करते हैं वो 24 आवर्स का भी वैसे होता है, लेकिन सैटरडे संडे होता है ना, सैटरडे संडे लाइब्रेरी चले जाओ, 2 दिन तो आपको दिखेगा ना, कम से कम 2 दिन आपको। संडे भी मुश्किल से मिलता है। देखो ऐसा है बाबू, तुम आप जो जॉब कर रहे हो ठीक है ना, वो तो हो सकता है दो चीज़ है, कि या तो आपका पैशन है या आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका पैशन गवर्नमेंट जॉब है तो आप सही एडजस्ट कर पकड़े। सकते, ठीक है, क्योंकि 12-15-20 हज़ार रुपये में अपनी ज़िंदगी आपको ख़राब करनी है, या 3 साल के बाद 1 लाख रुपये महीना कमाना है, पहले डिसाइड कर लो। 3 साल के बाद 1 लाख। हाँ तो अभी 70 हज़ार तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मिनिमम सैलरी जो होती है 30 हज़ार बेसिक है, और बाकी मोबाइल फ्री, ये फ्री, वो फ्री, सब मिला जुला के लगभग 60 से 70 हज़ार मिल जाता है। तो देख लो, या तो एक बार कुछ त्याग, सम्राट विजय बोला गया था ना कि एक बार अगर कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा। चलो ए, हाँ वो एक है लास्ट पॉइंट है, देखो कि अगर किसी को त्याग नहीं करना पड़ता तो हर घर में एक सम्राट होता, बोल रहा था ना वो, कि चाणक्य को बोल रहा था कि महाराज आचार्य अगर हमें इतना त्याग ना करना पड़े तो, है ना, उनको क्या है अशोक को किसी महिला से फ्रेंडशिप हो गई, मैं ज़्यादा टर्म यूज़ नहीं कर सकता ऑनलाइन में, है ना, ठीक है ना, तो वो बोला था क्या कि तुम महिलाओं से दूर रहो अशोक, सर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब मत बोलो। नहीं, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो अगर त्याग नहीं करना पड़ेगा तो हर घर में सम्राट अशोक होगा, सम्राट होंगे, और हर घर में एक राजा तो हो नहीं सकता, राजा तो 10 हज़ार लोग में से एक ही होता है ना साम्राज्य में, ठीक है ना। तो वैसे ही हर घर में IAS IPS या गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, आप खुद ही बताओ, 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें 5 हज़ार लोगों को जॉब लगनी है, तो बाकी 4,95,000 लोग तो कुछ और ही करेंगे। तो आप बताओ, 5 लाख लोगों का जो घर हो,
5 लाख लोगों का जो घर होगा इतना दूर में, तो एक आदमी के बाद अगले 3,000 घर के बाद अगला गवर्नमेंट ऑफिसर मिलेगा। यस और नो, सीधी बात है ना। यस सर। आप कैलकुलेशन ही देख लो ना, 5,000 बटा वो कर लो, या 100 घर के बाद एक ऑफिसर मिला तुमको, वो सीन होता है ना। तो टेक्निकली 1,000 लोगों में एक लोग सेलेक्ट होता है। ठीक, तो ये अब देखो 6√3 डायगनल है, a√3 तो 6 हो गया, वॉल्यूम 6 का क्यूब 216, 6a² होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 × 6 216। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या? देखा, सर। बहुत बढ़िया बात है, वो तो पूरी पिक्चर देखने के बाद बोलोगे कि ट्रेलर तो समझ में आया ही है। ठीक है, चलो। सर स्टार्टिंग ऐसा है तो ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो आपने विजुलाइज कर सकते हो ना चीजों का, आप सबसे इम्पोर्टेंट विजुलाइज करना। ठीक है, सरफेस एरिया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, क्या होता है बताओ, डेफिनेशन बताओ। कर्व सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया क्यूब का, सिक्स सॉरी क्यूब का सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टेल मी। अंतर रहेगा ना क्यूब का, जो कैसे बोलेंगे सर? कर दी सत्यानाश। अरे भाई, 4 स्क्वायर्स के एरिया, 6 स्क्वायर्स के एरिया को जोड़ दो, हो गया सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, नहीं बोला था? यस 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 सर। अरे भाई ध्यान, तो मैं बीच बीच से जोक सुना देता तो क्या भूल जाते हो? हैं, तो 1 स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर के एरिया 6a², तो 6a² इज इक्वल टू 1734, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1734/6। तो मैं सीधा बस इतना जाऊंगा ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1734/6, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1734/6, 6 × 12 5, 6 9 जा तो जाएगा नहीं, 8 बार में जाएगा, और बचेगा 9 बार में चला जाएगा 54, 17 आ जाएगा, वॉल्यूम 17 का क्यूब 4913। अब जिसको याद नहीं है उस नालायक की ज़िंदगी में यही होगा ना, 17 × 7। हाँ ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुमने इज्जत बचा ली हमारी थोड़ी सी, कि सर याद कर लिए थे हम, है ना। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन ओमेन, ओमेन है ना। ठीक है, याद कर लिया तुम। अब अपने, तुमने तो ये बोल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, जल्दी से 18 का क्यूब बताओ, जल्दी से, ईमानदारी झलक के आएगी अभी। क्या सोचे थे, मार लेंगे? हेलो, इतना टाइम लगा दिया तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, समझ में आ गया चोर लोग। तो पता चल गया है ना भाई, मैं एक साइबर एक्सपर्ट हूँ, साइबर क्राइम का एक्सपर्ट, तो जो चोर सो सकता है हैकर। यस ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो भी एक चोर सोच सकता है ना, 24 होगा ना। 18 का क्यूब बोल रहा हूँ, 5832 होगा नलायक। 14 का क्यूब सर 4913 याद था, आगे का याद था, लंबा वाला याद है, छोटा वाला सर 2 का क्यूब मत पूछो सर, वो सब इजी इजी चीज मत पूछा करो मेरे से। 17 बस। देखो, तो यही इतनी ही ईमानदारी अभी रखनी थी तो बाद में पहले ही रख लेते, पहले इज्जत बना लिया, वैसे ही होता था एवरेज स्टूडेंट के बीच में। सर इसका आंसर 15 सेंटीमीटर आएगा ना, जल्दी से किताब से छुपा के देख लिया बच्चे ने, और तुरंत सर बोल दिए, बाद ये गड़बड़ बात है भाई। कुछ लोग इंप्रेशन जमाने के लिए स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे लड़कियों के सामने, या लड़का लड़की के सामने, लड़की लड़का के सामने बस तुरंत आंसर पीछे से देख लिया किताब से, सर 17 सेंटीमीटर आंसर, सर सर बोल देते ये तो नालायक लड़का है, ये नालायक लड़की कहाँ से पढ़ती होगी, आ जा बोर्ड पे आ जा। सर वो बगल वाला बोला ना सर, मैं तो सिर्फ सामने से बोल रही थी, वो सर पीछे वाले ने किसी ने बोला, मैं कुछ नहीं सर, मैं कहाँ बोल रही थी। तो ठीक है चलो। पीछे कोई बोला सर, सही बता रही हूँ, कसम खा रही हूँ अपनी मम्मी पापा की, पता नहीं कितनी बार मम्मी की जान ली इन लोगों ने। ठीक है चलो। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक 6 सेंटीमीटर, अरे टाइम तो हो गया, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, चलो बाय ओके बाय। सर।